सबरवाल इंटरनेशनल स्कूल इंडिया के टॉप 5 स्कूल में से एक स्कूल है। स्ट्रेट जी। एंड हमारे स्कूल में टीचर्स दे नॉट ओनली कम फ्रॉम इंडिया, दे कम फ्रॉम अब्रॉड टू। फोर। वेरी गुड, पुट योर हैंड्स डाउन। हमारे स्कूल का मोटो ही है, एजुकेशन इज अ बर्थ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। बहुत बढ़िया जी, बट आई कैनॉट हेल्प यू विथ योर नेफ्यूज एडमिशन। आई मीन लुक एट दिस, पांचवी क्लास तो आप भूल जाइए, हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से सेकंड क्लास में भी एडमिशन नहीं मिलता। लुक एट हिम, ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन प्लेइंग वीडियो गेम। सॉरी सर, जब भी बिट्टू नर्वस होता ना तो ऐसे खेलने लगता है जी। ऐसे भी उसके माँ बाप के मरने के बाद उसके दो ही तो सहारे हैं, एक मैं रिम्पी और दूसरा ये पीएसपी। बड़ी बुरी लत लग गई है इसे जी। लेकिन आप टेंशन ना लो, इसके सारे होमवर्क्स और प्रोजेक्ट्स मैं खुद करूँगा लाइक ऑल अदर पेरेंट्स। बस आप एडमिशन दे दीजिए प्रिंसिपल साहब। ठीक है, वो भाभी जी के लिए गिफ्ट है जी। व्हाट नॉनसेंस, गेट आउट, गेट आउट। अरे आउट छोड़िए, जरा इन तो देखिए, इन। और भी है जी। वक्त क्यों था? मेरा स्ट्रिंग ऑपरेशन करता है, अपने को बड़ा हीरो समझता तू? अगर खाना भेजा तुझे हीरो तो आप बन जाएंगे सर जी, जब कल आपके पीछे इतने मीडिया वाले भाग रहे होंगे जितने कि आमिर के पीछे भी लोग भागते हो। कबूतर कबूतर, ए ए क्या करता तू? ए ए गुड मॉर्निंग। गर्लफ्रेंड कहती बॉयफ्रेंड से कि फटाफट मेरा टॉप उतारो, बॉयफ्रेंड कहता ये लो, फिर गर्लफ्रेंड कहती है बॉयफ्रेंड से और फटाफट मेरा स्कर्ट उतारो, बॉयफ्रेंड कहता ये लो, गर्लफ्रेंड डांटते हुए कहती खबरदार आएंगे तो मेरे कपड़े पहने तो एग्जाम भी चल रहे हैं, शीट लेकर आ रहे हैं तेरे पीछे खुद प्रिंसिपल। वो आंट दे इसको, आंट दे आंट दे।
खालू बंदूक और प्रिंसिपल है ये शूटर। क्यों भाई सुखी, मजा आ रहा है? बिल्कुल वैसे जैसे अग्रवाल के यहाँ नूडल लेके भागते थे। ओए लेकिन अग्रवाल गोली नहीं मारता था। हेलो मम्मी जी, हमारे लोकल केबल टीवी तैयार हो गया ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए। दबा दिया बटन? ओए ना 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 कबूतर, इस गेम में टाइमिंग सही होनी चाहिए। जब बल्लू एसएमएस करेगा तब ये टेलीकास्ट करेंगे हम। इंतजार कर। राम का बिल्ला, साले बाहर आओ, सालो मेरा ब्रेकिंग न्यूज़ बनाओगे? अरे बस सालो, तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे सेठी साहब, हम ही लोगों को तो आपकी असली कदर है, इसलिए हम आपको फेमस बनाना चाहते हैं। यकीन नहीं होता तो अपनी वाइफ को घर फोन लगाओ। वाइफ को? तुम लोगों ने क्या किया मेरी वाइफ के साथ? ओए जब तू खुद अपनी वाइफ के साथ कुछ नहीं करता तो हम क्या करेंगे पगड़ा? अबे गोली चलाना बंद कर, नहीं तो मैटर उलझ जाएगा। चल वाइफ को फोन लगा। हेलो हेलो मम्मी, तुम कैसे हो? ले मेनू क्यों होना है? कुछ नहीं, I was worried. अच्छा मैं बाद में बात करूंगा। ओके सुनो। हाँ। आई लव यू टू बेबी। ओए लवर बॉय, अपनी मिसिज को कह केबल का न्यूज चैनल लगा के देखे। पम्मी जी थोड़ा सा केबल चला के देखो क्या हो रहा है। अच्छा एक मिनट। हमारा सबरवाल इंटरनेशनल स्कूल। ओ माय गॉड, आपने बताया नहीं कि आपका केबल पे इंटरव्यू आ रहा है। ओह सो एक्साइटिंग, मुझे अपने फ्रेंड्स को बताना है। ओके ओके बाय बाय। अरे अबे सालो क्या बस उड़ी है, सामने आ मैं गन फेंक रहा हूं। लो जी बसूड़ी बंद कर देते हैं, चाहो तो अपनी प्यारी मिसेज से चेक कर लो। क्या चाहते हो तुम लोग? 5 करोड़। 5 करोड़ इन कैश? इतना पैसा नहीं है मेरे पास। ओए बच्चों को यूनिफॉर्म बनाने के चक्कर में तुम माँ बाप को नंगा कर देते हो और यहाँ पे तू कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। पिछले 2 साल में ही एडमिशन और डोनेशन का मिला के तुम लोग कम से कम 7-8 करोड़ रुपया छाप चुके हो, हम तो सिर्फ 5 मांग रहे हैं। देखिए प्लीज बिलीव मी, मेरे पास मुश्किल से 1.5-2 करोड़ कैश पड़ा होगा। 3 करोड़ फाइनल। देखिए सबरवाल की इमेज के आगे बहुत छोटी रकम है। हाँ। और वैसे भी आजकल एडमिशन चल रहे हैं, बहुत भारी पड़ सकता है स्कैंडल। इस बात की क्या गारंटी है फुटेज की तुम दूसरी कॉपी नहीं बनाओगे? ओए मामा तेरे को क्या लगता है हम यहाँ तुझे वाटर पंप बेचने आए हैं जो तेरे को 2 साल की गारंटी देके जाएंगे? तेरे गोली नहीं मार रहे ना, इसको ही समझ ले गारंटी। ठीक है वैसे कब और कहाँ पहुंचाने? दोपहर 1 बजे हैदर कुली चांदनी चौक पहुंच जाना और हमारे फोन का इंतजार करना। वो कोई 2000 रुपए चंदे में देता है? बोल। माफ करो सर, पता नहीं कैसे करके गलती हो गई। गलती से तो मायवे तू पैदा हो गया सी। सेठी जी देख रहे हो 2000 रुपए घुसेड़ के माफी मांग रहा, कमाने जाओ तो पता चलता है। तुसी दसो कैसे आना हुआ? मैं जी वो अपने मैं दरअसल वो तो बहुत दिन से आप स्कूल की तरफ आए नहीं ना, तो मैं खुद देखने चला आया कि सब ठीक ठाक तो है। और मुझे क्या होना है जी, उस स्कूल की जो नई वाली योगा टीचर आई है जी एकदम फिट कर दिया मैनू, सब ठीक है। हेलो। एक नोट भी कम नहीं होना चाहिए समझे? आप कौन बोल रहे हैं? माता जी। माता नहीं तेरा बाप बोल रही हूँ, और ध्यान से सुन मैंने रिपीट नहीं करना। हाँ जी। नंदू परांठे वाले की दुकान के ठीक सामने बशीर मियाँ की दुकान के नीचे 3 करोड़ का बैग रख देना। हाँ जी हाँ। फिर नंदू परांठे वाले के पास जाकर
तीन मूली के परांठे एक्स्ट्रा मक्खन मारकर, ये तेरा कोड वर्ड है, ये बोलना। कितना हिसाब हुआ हमारा? कल का मिला के टोटल 460 रुपए। एक डब्बी दे दीजिए और एक पान और लगा दीजिए, टोटल 500 हो जाएंगे। हाँ बाबू जी, क्या चाहिए? कुछ नहीं, वो नंदू पराठे वाला, वो है सामने। अच्छा वो? हाँ जी, हाँ जी। आओ जी, खाओ जी, आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, छोले और पराठे। जी नाओगे क्या छोलों में? लो जी छोले का, आलू पराठा, गोभी पराठा। हाँ जी बाबू जी, आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा। हाँ जी, तीन मूली के पराठे एक्स्ट्रा मक्खन पैकेट। ओके जी, तीन मूली के पराठे एक्स्ट्रा मक्खन पाके मार के? मार के। अच्छा जी, एक्स्ट्रा मक्खन थोड़े बाद छोले पुत्तर होर पा मार के छोले लो जी, छोले लो। ये क्या? क्या मजाक लगा रखा तुमने? ये चुप रहो, चोर, मेरा टेप का सराओ। अंकल जी कॉलर छोड़ो, मेरे को तो बोला गया था कि जो भी तीन मूली के पराठे एक्स्ट्रा मक्खन मार के मांगे उसे एक कैलकुलेटर दे देना, मैंने दे दिया। क्या नाम है आपका? बशीर मियां। क्या हुआ था? बैग मिला? बैग मिल गया। कहाँ? तो चांदनी चौक में बशीर मियां पान सेंटर के पास। जी हाँ, काले रंग का बैग है। पीछे हटिए, पीछे हटिए। कौन है आप? मैं प्रिंसिपल हूँ जी। स्कूल के? हाँ जी। प्रिंसिपल साहब जरा पीछे हटिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। बीच सड़क में और दो बैग मिले हैं। लोकेशन फिर से रिपीट कीजिए। मिड चौकी बीच सड़क में दो बैग और मिले हैं, सीरियल बॉम्बिंग का मामला लगता है जनाब। हम अभी पहुँचते हैं, ओवर। अरबत गाड़ी भी चले जाओ। नमस्कार जी। नमस्कार। जसवीर पवेचा आप ही हैं? जी। आपका बेटा सुखविंदर कहाँ है? वो काम से बाहर गया है। आप अंदर आइए। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो नई सड़क का बॉम्ब डिफ्यूज किया कि नहीं? अरे बॉम्ब तो यहाँ फट रहा है, ये बॉम्ब स्क्वाड का सूट है या भट्टी? हाँ। यार मेरा तो लेग पीस ही तंदूरी हो गया, खा के देख लो। तू ना हमेशा खाने की सोचता है, हालत देख अपनी। उस प्रिंसिपल की शक्ल देखने लायक थी, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि पुलिस उसके 3 करोड़ लेकर क्यों जा रही है। आखिर प्लान किसका था? मम्मी जी के आशीर्वाद से बल्लू द ग्रेट का। वैसे एक बात बता, तूने पूसा से केटरिंग के साथ एक्टिंग का भी कोर्स किया था? वो क्या है ना कि जब जान पे बनी हो ना तो बुरे से बुरा एक्टर भी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। ओ मिंटू भाई घबराओ मत, मैं हूं ना। ये ऑर्डर वाली बिरयानी तैयार है, आप देख लो जरा। आज रात वाली? हाँ जी। ये थोड़ी कसर रह गई है। ठीक है, एक काम करो। हाँ। 15 मिनट और दम पे लगा दो। ठीक है, तू कसर रहने दे, कसर मैं निकाल दूंगा। मिंटू जी रहने दो, आप क्यों कष्ट करते हो? वो
देखिए मेरा बेटा सुखी और ये इसके दोस्त हैं। सत श्री अकाल जी। हेलो सर। हेलो हेलो। ओ मेरा जरा फोन है। हाँ जीते चले पकड़ अपना खजाना। देखो ना मम्मी जी, केबल इसे लगानी होती है और सेट टॉप बॉक्स का बैग हमें पकड़ा देता है। संभाल इसे। नमस्ते। नमस्ते। फिर मिलूंगा जी। ओए सुखी। वाह मिंटे जी, क्या ट्विस्ट मारा है। सब गड़बड़ हो गई है। हमारे ऊपर 70 लोगों ने कोर्ट केस कर दिया है। अगर उनके पैसे वापस ना किए तो हमारे घर की कुर्की हो जानी है। ऐसे कैसे कुर्की कर देंगे, साले प्योदा राजा उड़ा दे। ओ सुखी, सैनिक फार्म से एक जबरदस्त शादी का ऑर्डर आया था। मैंने कहा इतना लजीज बनाया तो सबके लिए लेता चलो। कीमा वड़ा सही बना है ना, कैलाश पर्वत ने 2 घंटे रगड़ के बनाया। एक बात कहूं, थोड़ी कसर रह गई। 2 घंटे 4 मिनट रहना चाहिए था। कुछ भी, शुक्र है वाहेगुरु जी का, हमने जो प्लान बनाया था उसमें हम सब की फतेह हुई। और फतेह भी झंडा गाड़ के हुई है, पैसे भी हाथ आ गए और उस सेठी की फिल्म भी बन गई। फिल्म बनाई किसने है? फिल्म अभी बननी बाकी है पुत्र। अभी तो हमने सिर्फ 3 करोड़ इकट्ठे किए हैं, 12 करोड़ और इकट्ठे करने हैं। सोचो नहीं लग रहा आपको, जानती हो अगर तुसी होंदे तो हमें ये सब कुछ ना करने देते। याद है रमी में आप मेरी चीटिंग को चट पकड़ लिया करते थे, पर पवीजा जी गुस्से कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है। साडे कोल और कोई चारा भी नहीं सी। रविंदर पवीजा जी हमारे बैंक के एक एसेट है, बैंक की शान। पवीजा जी, आज इस मौके पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये बैंक आम और मध्यम वर्गीय लोगों का बैंक हो, जिसमें कि वो अपना धन सुरक्षित रख सके और मुनाफा भी बढ़िया कमाए। धन्यवाद सर। इस स्कीम के हिसाब से 3 महीने के कैश डिपॉजिट पे 15% इंटरेस्ट कहाँ से देंगे हम सर? आप 15% की टेंशन ना लें, आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को स्कीम में लॉक करने की कोशिश करें। अगर कोई इन्वेस्टर पैसा चेक में देना चाहे तो? ओ ना ना सायरा, ये स्कीम सिर्फ लोअर इनकम ग्रुप वालों के लिए है ना, तो उनकी इनकम तो मोस्टली कैश ही चोंदी है। ओ सब्बड़ वाली ने इसलिए तो स्कीम के लिए सेपरेट टाइटल अकाउंट खोला है, और आप दोनों तो साइनिंग अथॉरिटी हो। लो जी बवेजा जी। ओ जी अपना द्वारका विच एक छोटा जिहा फ्लैट सी, ओ बेच के ए पूरे 9 लाख रुपए जनाब तुहाडे वास्ते। ये उनसे बचाकर की हुई कुछ सेविंग्स है, ये ले लीजिए स्कीम का सर्टिफिकेट। ओ सायरा मैडम, तो बवेजा जी से बड़ा सर्टिफिकेट थोड़ी हो सकता है। नहीं स्कीम बहुत चंगी चल रही है जी। गुप्ता जी ये इन्वेस्टर्स का अब तक का पैसा है, इसको टैली कर लीजिए और सेफ ही रख लीजिए। हाँ भाई केड़े बिजनेस हो रहे हैं सुबह के 4 बजे? कौन सा बिजनेस, खाली बैठा हूं। तो ये कोई वक्त है घर आने का? आपने मेरे जिम का लोन पास कर दिया होता तो मैंने भी घर टाइम पे आना था। तू ज्यादा ड्रिंक की हुई है, जा चुप जाके सो जा। सोना नहीं है मुझे, बोलना है। इन्होंने मेरा लोन पास कर दिया होता तो पूरे दरियागंज के छतों पे केबल के तारे नहीं बांध रहा होता। ओए उन्हीं तारों से तेरी टांगे बांध देनी है मैंने, नलायक। रोज पी के आ जाता घर। आऊंगा रोज पी के आऊंगा, नहीं करना मुझे केबल का बिजनेस। ओ जा जा जो करना है कर, पर एस कार भी फिर पी के ना बड़ी। ठीक है जा रहा हूं मैं दिल्ली छोड़कर। रुक जा पुत्र रुक जा, सुखी पुत्र रुक जा। ले लो स्वाद सुखी, आ जाएगा वापस, वो सर पे चढ़ा के बिठाया हुआ है। लोंगे आंटी, थैंक यू, हैप्पी दिवाली। और सारी मिठाई एक बार में मत खाना। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। दिवाली में भाई बहुत बहुत। आजा बैठ। और मम्मी जी दिवाली की मुबारकबाद।
इसने तो हमारी दिवाली सेट कर रखी है। जब से सुखी गया है ऐसे ही मुंह लटका के बैठी हुई। आ जाएगा सुखी वापस। कौन सा पहली बार गया है? बैंक ने सबके पैसे वापस कर देने इंटरेस्ट के साथ। ना जी ना, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए बस। आपको साफ सुन दिया, बोलो सर। आप हमें पुलिस के हवाले कर रहे हैं? आपके कहने पे तो इन्वेस्टर्स के पूरे 15 करोड़ हमने टाइटल अकाउंट में जमा करवाए हैं सर। किड़े पैसे, किड़ा टाइटल अकाउंट, क्या बोल क्या रहे हैं बवेजा जी? गुप्ता जी तुसी दसो, आप तो जानते हैं सारे पैसे आपको दिए हैं जी। गुप्ता जी दसो। सर इन्होंने कोई पैसे नहीं जमा करवाए मेरे पास। सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। बवेजा, बैंक के साथ धोखा, बैंक के साथ फ्रॉड। पिछले 30 साल से मैं इस बैंक की सेवा कर रहा हूँ, आप जानते मेरी ईमानदारी को। और शट अप, जो भी कहना है थाने में चल के कहना। ले जाइए इन दोनों को। चलिए हमारी बात तो सुनिए सर। तुम लोगों के पहे मेरे एम्प्लॉई बेवेजा और सारा ने ठगे हैं जी। इधर बैंक में चिल्लाने से पैसे तो नहीं मिलने। मैं चाहूंगा जाइए पुलिस स्टेशन में, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। शान, वालों ने तो इस केस से हाथ झाड़ लिया। और क्या? हाँ, और कहां गायब कर दिया साडा पैसा? अरे ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? हाँ, मेरा नाम भी चड्डा है। हाँ, हाँ, ऐसे नहीं गायब करने देंगे। वो देखो वो आ गया। हाँ, आ गया चोर का बेटा। कोई नहीं, आने दो, हम करते हैं, इससे वसूल करेंगे। और क्या, ऐसे कैसे? हमारी मेहनत की कमाई। पूरा यकीन है बबेजा जी, तुसे कुछ गलत नहीं किया। मम्मी जी एक गल दसा, मैं पहले कदी कह नहीं सका कि मैं उन्हानों किन्ना प्यार करता। ठीक है हमेशा डांटे रहते थे, पर मन ही मन में उनके उसूलों की बड़ी इज्जत करता सी। वाहेगुरु जी दी सौ, उन्हां दा खोया हुआ सम्मान वापस लेके ही रवांगे। Cheers for marriage, health and wealth. Cheers, पाजी, cheers. भाई साहब शादी की सारी अरेंजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से कर दिए मैंने। हाँ, ओ मैं तो कहना ही सबर भाई साहब होनी भी चाहिए। एक बात बताओ जी, आज का टीवी स्टार, कल का फिल्म स्टार बेटा है मेरा अमन, है ना जी? और मैं तो सबर वाला समय एक बात बताऊं आपको, मन तो लगता तुहाडे हाथ ना हीरा लग गया, हीरा। और देखो भाजी मैंने उसको क्या संस्कार दिए, और मैंने सिर्फ उसको ना एक बार शादी के लिए बोला, तुरंत हाँ कर दीजिए उसने। और वैसे देखा जाए तो फेसबुक पे उसकी 2000 फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई, वो भी लड़कियों की। मेरा किया हुआ वादा पेंडिंग नहीं रहेगा। मुंबई ताज में रिसेप्शन, यूरोप में हनीमून, 15 करोड़ रुपए, पाजी सब तैयार रखे हैं आपके लिए मैंने। आपके तो एक ही लड़की, आपका तो बनता है, है?
क्यों जी? ठीक बोला कपूर साहब, गुड़िया का ठीक से हो जाए उसके बाद कुछ बोझे और हैं, उधर जाए तो माय सच लाइफ रियली सेट हो जाएगी। ओ सब्बरवाल साहब, आप टेंशन ही मत लो, हमें तो बहुत दूर तक जाना है। किसे जाना थी, गड्डी निकालूं? ओए वो समझाया करो यार उसको कुछ, हैं? वो जो मैं बोल रहा हूँ उसको मतलब समझ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात सुनी है पूरी तूने? बात ये है जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बहन एक बार कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए फिर देखो जी, आपका बैंक वाला केस तो नहीं जी मैंने ऐसे ठोक ठोक के दबा देना। और रही आपकी ये फाइलों की बात, चुटकियों में क्लियर करूँगा, चुटकियों में। अरे भाई ये बोलकर एकदम दिल खुश कर दिया कपूर साहब, कमाल है आप सच। इसी बात का मेरा पक्का है कि आपको जोक सुनाएगा। सुना 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 समझी नू, कौन सा जोक सुनाऊ समझी जी नू? बगैर जोक सुना मतलब सुना जी। मैसेज, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, स्वीटी शामी ना कार आ जाना, उते कोई नहीं होगा। स्वीटी शाम को कार जाती है, उते कोई नहीं होता। कोई उते कोई ऐसा ही होता है, ये तो कुछ भी नहीं है और भी है। Stop it, Aman. I'm going to die laughing. पता है तुम्हारी पापा के साथ खूब जमेगी। अच्छा? You got a wicked sense of humor, हाँ? लेकिन रियलिटी शो पे तो बड़े सीधे बने रहते थे। You see, baby, वो रियलिटी शो जीतने के लिए अमन जी की स्ट्रैटेजीज थी। It's called mind game, sweetheart. Mind game. Mind game. You smoke? Of course. When Aman ji is happy, Aman ji smokes. लेकिन आपका तो टीवी पे एंटी स्मोकिंग का एड चल रहा है ना? इमेज बेबी, इमेज करना पड़ता है। एंड एनीवे आई चार्ज फॉर इट। यू चार्ज फॉर इट? ऑफ कोर्स, आई एम अ सेलिब्रिटी। वाओ, नाउ दैट इज हॉट। स्टॉप लेचिंग। आई एम नॉट लेचिंग, आई एम जस्ट एडमायरिंग द ब्यूटी। टाइम क्या हुआ? आर यू गेटिंग लेट? या इट्स टाइम फॉर माई जिमिंग, कम। क्या केबल के पैसे? केबल के पैसे तो पूरे लेने आ जाते हो, फिल्में दिखाते हो आधी दूरी, आधी फिल्म में तो तुम ऐड दिखाते रहते हो। तो एड्स के हम अपने घर पे बनाते हैं और नहीं तो क्या? मोटी के नखरे देखे, टिच टिच करती रहती है। ले बड़, दफा हो जा और अगले महीने मत आइयो। अरे इनको तो लगता है इन्होंने केबल के साथ हमें ही खरीद लिया। वो सुखी, सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। वो रात भी इंग्लिश पिक्चर नहीं लगा रहे आजकल? कोई नहीं जी, वो वीकेंड में लगा देंगे। ओके। ओए हीरो गए तुम। अरे इन फकीरों के यहाँ तो केबल ही नहीं है। एक मिनट चुकी। अंदर सीआईडी चल रहा है, मम्मी जी का फेवरेट सीरियल। इनकी तो साले हमारी केबल चोरी कर रहे। ओहो रुक, कौन है भाई तुम? हुँ? भाई भाई न्यू में तेरा सुखी फ्रॉम जसबीर केबल। हमें कोई कनेक्शन नहीं चाहिए। दरवाजे में इतनी बड़ी घंटी दिखाई नहीं देती, दरवाजा क्यों पीट रहा था? अभी तो सिर्फ दरवाजा पीटा है, क्या चल रहा है अंदर? चिकनी चमेली का डांस चल रहा है, तुझे कोई प्रॉब्लम है? मुझे पता है अंदर केबल पर सीआईडी चल रहा है, चोरी का कनेक्शन लगाने के लिए जेल करा सकता हूँ। ओए किधर जा रहे? ओए रुक रुक रुक, तेरी कौन सी प्रॉपर्टी छीन लिया, कुछ लेते के बाद खत्म करना। रिश्वत खोरी तो कुछ लोगों के खून में है, शरीफ लोग हैं हम। हम कौन से डाकू हैं? आप ना रिपीट में देख लो, बहुत करते हैं ये लोग। पहले आप मुझे बताओ फ्री में केबल कब से देख रहे हो? जो दया पहली बार मारन की कोशिश की थी उदो देख रहे हैं। तू साहब लाल है,
पिक्चर नहीं, दया पे हमला। 5 महीना, सॉरी 5 महीने से केबल देख रहे हैं। 5 महीने से 1000 रुपए कनेक्शन का और 5 महीने का 250 रुपए के हिसाब से टोटल हो गए 2250। पैसे यहाँ देने के थाने चल के। अच्छा कुछ कंसेशन ही कर दो। जी वो कंसेशन वंसेशन नहीं होगा, पैसे तो पूरे 2250 देने ही पड़ेंगे। हम ईमानदारी से कमाते हैं। ओहो, ईमानदार लोग जिंदा हैं। जी इस वक्त तो मेरे पास फिलहाल सिर्फ 150 रुपए हैं, बाकी के 100 रुपए अगले महीने एडजस्ट कर दूंगा। ओ सुक्की फ्रॉम जस्ट बीयर केबल, अगले महीने तुम्हारा केबल बंद हो गया तो हमारे 100 रुपए तो गए ना। ठीक है कल सुबह भिजवा देता हूँ। आपके 100 रुपए के चक्कर में हम अपना बिजनेस नहीं बंद कर देंगे। बाकी के कल भिजवा देना। अब और क्या चाहिए? चल तो क्या देख रहा है? तेरा दूसरा भी हुआ, तेरा तीसरा खत्म हो गया, क्या हो गया तेरे को? बना बना। चल सुन, जो लोमड़ी कोमड़ी की दूध की फैक्ट्री वाला काम था ना, मैंने वहां पे कबूतर को फिट कर दिया। हो गया? तू ना इस दुनिया का सबसे बड़ा जुगाड़ू है। क्या भैया, कितनी बार बोला है 10 बजे के बाद आया करो। जी मैं सुखविंदर बवेजा। ओए केबल वाले, रात से यहीं पर डेरा जमाए हो? नहीं जी, वो सारी रात नींद नहीं आई। वो क्या है ना, आपके 100 रुपए रिफंड करने थे और मम्मी जी कहते हैं कि उधार सीने पर बोझ होता है। ओ ठीक है, तो फिर बोझ हल्का करो। हाँ सॉरी जी, सिर्फ 50 रुपए हैं, बाकी के 50 कहीं गिर गया लगता है, बाद में दूं तो चलेगा? हाँ, चलेगा, पर इस चक्कर में रात भर जागना नहीं। अब क्या है? 20 रुपए और मिल गए जी, चोर पॉकेट में पड़े थे। चक्कर गया भाई, 10 रुपए और मिल गए जी। इस बार पूरे 500 मिल गए हैं। अगर मूड हो तो साकेत में मॉर्निंग शो देखा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 from the top again. Whoa! Oi, Shilpi! 1, 2, 3. Oh, hi! Guys, give me a moment. How are you? I'm fine, and you? अच्छा सुन, एक फेवर चाहिए था. Mitsuki. Nice to meet you. Heard a lot about you. आप यहाँ सिखाती हैं? जी नहीं, मैं सीखती हूँ. सर जी, बाहर लाइटें वाइटें सब लगवा दी हैं. स्टेज तैयार हो गया है और 5 बड़े बड़े जनरेटर भी लगवा दिए. Cool guy for. अभी बात कर लेते। 1, 2, 3. हेलो हेलो शिल्पी जी, मैं दिस साइड सुधीर बग्गा। हाँ जी बग्गा जी, आप आने वाले हैं ना वो शादी में सबको डांस वांस सिखाने के लिए? आई एम सो सॉरी, मेरा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कहा था ना आपने कि आप तो आ रहे हैं। हाँ जी, हमारी बात तो हुई थी लेकिन एक पर्सनल प्रॉब्लम आ गई है। क्या? लेकिन डोंट वरी, मैं आपको रिप्लेसमेंट दूंगी ना। अच्छा अच्छा, शी इज अ वेरी गुड डांसर और उसके चार्जेस भी मुझसे कम है। थैंक यू जी, बाय बाय। डन हो गया जी। चलो एक तो काम अच्छा किया तू बग्गे। एंड वन
two, three, four, and a one, and a two, and a three, and a four, and a one, and a two, and a... Hi, Dad. गुड़िया बेटे। Hi, Dad. क्या हो रहा है जी? Meet Manpreet, our new choreographer. By the way, she's fantastic. Hello. Hi, sir. आप ही कुछ शिल्पी जी ने भेजा ना? जी. Oh, you have to really do your best, जी. मेरे बेटे की शादी जो है. Definitely, sir. Sir, if you don't mind, can I say something? जी जरूर. आप गुड़िया के डैड लगती नहीं हैं. You maintain yourself so well. You don't know Dad. He does spa yoga every morning for 1 hour. थैंक्स जो तूने मेरे लिए किया है ना. थैंक्स किसी और को बोलना. अगर तू नहीं होती तो मैं इसे मैंने तेरे लिए नहीं अपने लिए किया. मतलब तू नहीं समझेगा पर सच में तुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई ना तो मैं सेंटी क्यों हो रहा है. एक काम कर मेरी नानी के लिए ना फ्री लाइफ टाइम केबल कनेक्शन दे दे देन वी इवन. क्या रे इमोशनल करके किस लेगा क्या. चल 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 बाय. थैंक्स यार ये मनप्रीत बड़ी सही बंदी है. क्यों हम लोग सोचते रह गए और अगली ने सबरवाल के घर में एंट्री भी कर ली. देख लेना उसने सारे काम सेट कर देने. तो सारे काम उसे करा लेना यहाँ क्यों मराने आया है. क्यों चल रही है. जीजा जी जरा पी के बताओ इनमें से असली कौन सा है. ओए सालो गुड़ तो बियर पी रहे हो और मैनू दूध पिला रहा हूँ. और जीजा जी एक बार टेस्ट करके दे प्लीज. मैं हद कर दी तुम दोनों. जीजा जी दूध पियो दूध पियो दूध पियो. और बगे और कहीं आज नाक पंचमी तो नहीं है. पाजी मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ होना है जी. अच्छा गुड फॉर हेल्थ तो हेल्थ बना. चल ना 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 मैंने ना मिल्क सूट ही नहीं करता आएगा. बगे ग्लास चक पहले वाला ट्राई करो. एवली है ना ना. ये तो सुनिए. नहीं नहीं तीसरा असली है. ओए जी ओए ओ बिल्कुल नहीं जी बिल्कुल नहीं. ओ जीजा जी तीनों के तीनों नकली है. ओ कमाल है. ओ मलाई तो एकदम असली दूध वाली. जीजा जी कमाल का केमिकल हाथ लगा है. अब मलाई नहीं दूध क्यों मावा लस्सी सब एवन. अब हम दूध बनाएंगे और आप बैठ के मलाई खाना मलाई और वो भी प्योर. मतलब अब असली माल में नकली बनाकर दुकान को देने की जरूरत नहीं है. पूरा का पूरा माल नकली देना. ओ चाचा जी बस 3 दिन में हमने पहले ऑर्डर की डिलीवरी देनी है. उसके बाद 5 उंगलियां क्यों विच और सर कढ़ाई विच. और पता है ये लोग अपना माल फ्रिज में रखते हैं. इनकी बहन दी अगर ये पैसे फ्रिज में रखते हैं तो दही क्या बैंक में जमाते हैं. तो चलो ना करते हैं इनकी लस्सी मलाई मार के. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फूड मैडम जी. तेरी सील करनी पड़ेगी आपकी. हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे नकली दूध बनाया जाता है और ये दारू भी पी रहे हैं यहाँ पे. कुछ तो शर्म करो. खड़ा खड़ा
चलो जाओ सब प्रोसेसिंग यूनिट चलो जाओ इंस्पेक्टर चौधरी आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए और इनका लाइसेंस जब्त कीजिए मैडम बात चलिए आप दरवाजा खोल क्यों भैया मिल्कमैन लाइसेंस निकाल दूध में मिलावट करते हो बिना गाय के दूध चलो मुड़ो कीजिए इसके सर जी एक फोन कर लूं प्लीज अच्छा अच्छा ओम नमः शिवा ओम नमः हाँ ओ जी एक स्यापा हो गया ओ जी डेयरी पे रेड पड़ गई है ओ जी पता नहीं कोई लेडी ऑफिसर है वो इस मैटर को कैसे भी हैंडल करो तुम लोग गुड़िया के होने वाले ससुर की बात पता चलेगी तो शादी रुक जानी है और जितने भी कैश पे है पड़े डेरी पे सब वहां से हटा दो और वो फ्रिज जेनी के घर पहुंचा दो उसे कहना कि मैंने उसे गिफ्ट दिया लेकिन उसे खोले नहीं जब तक मैं वहां आ नहीं जाता आज रात मैं उसके घर जाऊंगा उसे कहना अमा आप सबरवाल जी के साले हो ओ जी फर्स्ट कजन फ्रॉम मदर साइड है जी ओ तेरी मदर क्यों हो गया देखो अपने जिज्जा से हमारी शिकायत ना करियो अच्छा इन मैडम का तो कुछ होना नहीं है हमारी नौकरी खा जाएंगे तोर जिज्जा देखो थोड़ी मदद करते भैया पवन हंस अच्छा चाहते हो वापस ले लो देख भैया तेरे को अगर अपनी नौकरी बचानी है तो तेरे को हमारे को उस मैडम से पीछा छुड़वाना होगा हमारी मैडम को हाँ हटवा दूं ऊपर से नीचे तक खिलाए पड़ेगा तू कर तो सही एक बार हमारा फ्रिज ना तू इस फैक्ट्री से बाहर निकलवा अच्छा अब देखो कमाल हो जाएगा काम पक्का इंस्पेक्टर चौधरी हमें कमिश्नर साहब ने अर्जेंटली बुलाया है आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए और हमें रिपोर्ट देते रहिए और रमन तेरे को क्या हुआ शर्म इसमें दूध है कि दारू ये लो जी सर जी पूरे 15 लाख है अब हमारी बात ध्यान से सुने हाँ जी बोलो फ्रिज के साथ आप दोनों में से एक ही आदमी जाएगा ठीक है और उसके साथ हमारे ये साहब भी जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी और जैनी को लगना चाहिए कि गिफ्ट है जीजा जी ने बोला था हमारा टाइम कब आएगा जैनी को गिफ्ट देने का ओ यार जीजा जी छोड़ेंगे तो आएगा ना ये ले जैनी को दे दियो मेरी तरफ से ठीक है पहले चलता सही ध्यान ना लाए कमराई ना है ऑल द बेस्ट जेनी रमन हाय जेनी दिस इज जीजा जी इज गिफ्ट फॉर यू एंड दिस इज फ्रॉम माय साइड सॉरी थैंक यू फ्रिज लेकिन मेरे पास है फ्रिज नो 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 देयर इज अ बिग सरप्राइज सरप्राइज जीजा जी विल टेल यू लेटर वो रात को आएंगे प्लीज डोंट ओपन है हेलो लेडी मायसेल्फ जोगी हाउ इज योर डे हाय I'm okay. Okay. चले साहब Hello, lady. Jogi again. Remember? Actually, we gave you the wrong fridge. So we have got you the new fridge. ये देखो. This has more features. Color. वाह जी वाह कमाल. Hi. कौन हो जी आप? मैं जोगी आप सबरवाल साहब है ना सबरवाल साहब आपकी दूध की फैक्ट्री है आई नो इट आपकी आपकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं आपके स्कूल है बंगले है ना एक मिनट मेरा फोन आ गया जी मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ हेलो सबरवाल साहब के साथ ही हूँ मैं जी पर 2 मिनट में आया ठीक है हाँ मिलेंगे जरूर कौन था वो जो रमन फ्रिज लाया था सो ही वाज विद हिम एंड दोस टू गाइस दे आर एक्सचेंजिंग द फ्रिज राइट नाउ अरे मैंने कोई रिप्लेसमेंट थोड़ी बोली थी कौन आया देयर देयर इन द किचन कहां ए ए
जीजा जी। हाँ जी जीजा जी। वैस सालो तुम्हारी वजह से मेरे 5 करोड़ आ जाने। जीजा जी। आपका फ्रिज पहुंचा दिया है विद बैलून। तेरे बैलून की तो डेरी पर रेड नकली थी। अरे रेड नकली थी? बताओ करो कौन थे? साला तभी वो सूट जल्दी निकल गया। हाँ हाँ पर पैसे तो बच गए ना। लेकिन स्वामी जी मेरे साथ हो क्या रहा है? देख तेरा समय बहुत खराब चल रहा है, शनि की सारी सती चल रही है तेरे ऊपर। स्वामी जी कुछ करिए प्लीज। तू गुड़िया की शादी होने तक एकदम चुप्पी साध के बैठा रहे। शादी का दिन शुभ है, फेरों से पहले 101 ब्राह्मणों को भोज और दक्षिणा दे दे, तू कष्ट से मुक्त हो जाएगा सबरवाल। ठीक है स्वामी जी। तो मम्मी जी मैंने तो पहले इसको कहा था कि तू मनप्रीत पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है। अरे मिंटू के सामने कहा था, पूछो इसको। ओए बल्लू तू बकवास बंद कर, पता नहीं वो सबरवाल कित्थों आ गए, ये तो काम हो जाना सी। ओए कित्थों आ गया मतलब? उस पे नजर रखने का काम किसका था? मम्मी जी एक काम दिया था उसको, बस एक काम, वो भी नहीं किया उसने। अब जो हो गया सो हो गया, कम से कम 15 लाख तो आए हमारे पास। अरे 15 लाख का ना अमचूर खरीद के अपनी दाल पे डाल लेना, उसी काम आने 15 लाख। और ये बड़ा मजनू, सारे काम उसने सेट कर देने हैं। ले देख ले सेटिंग। मैं तो कहता हूँ अभी का अभी मनप्रीत को प्लान से बाहर करो। ओए क्यों बाहर करो भाई उसे? ओए ठंड खा, ओए ठंड खा। हमने अब ये सोचना है कि आगे क्या करना है। करना क्या है मम्मी जी? मैं तो कहता हूँ अभी 4 लड़के उठाता हूँ, पिस्तौल रख के हरामजादे को लूट लेते हैं। ओए गाली नहीं। पागल हो गए हो क्या? पागल क्यों? क्योंकि हम कोई पेशेवर डाकू नहीं है बल्लू। भाई अपने पैसे वापस लेना डकैती नहीं होती इस तरह से। और इसके बाद हम सब सलाखों के पीछे चले गए तो ये बात उसी समझ में आया था अब ना। और तो एक काम करो, तुम लोगों को जो बात समझ में आती ना तुम लोग वो कर लो, मैं जा रहा हूं। बल्लू बल्लू रुक मत बल्लू। इंस्पेक्टर अली का आज ही फोन आया, इन्वेस्टर हमारे सर पर बैठे हुए हैं। 15 दिन में अगर उनके पैसे ना वापस किए तो हम सब लोगों ने सड़कों पर आ जाना है, गल्ला मार दे। देखो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ मम्मी जी की फिक्र है, उनका प्लीज ख्याल रखना। और अपना भी। सायरा मैं तुम्हें जल्दी ही लेकर जाऊंगा यहां से। तुम लोग बस मेरी गलतियां निकालते जाओ। वो सुखी जो आशी के चक्कर में पूरा प्लान चौपट कर रहा है वो कुछ नहीं। आपस में लड़के कुछ फायदा है बल्लू? अंत में नुकसान तो हम अपना ही करेंगे ना। कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, अगर 2 हफ्ते में पैसे नहीं लौटाए तो मम्मी जी का सब कुछ छिन जाना। बड़ी मुसीबत में फंस गए हम लोग। तुसे टेंशन ना लो मम्मी जी, मिंटू है ना वो सिखा देगा मुझे केटरिंग करना। ओए तू समझ नहीं रहा है, बल्लू का तेरे साथ होना बहुत जरूरी है। सबरवाल ने जिस भी ताले पर पैसे रखे हो उसे खोले में उसने दूसरे से 30 सेकंड नहीं लगाना। हाँ लेकिन अब झगड़ के तो वही गया है ना। बहुत झगड़ा करते हो दोनों, चल मत्था टेक। बल्लू का फोन। हेलो। हाँ जी मम्मी जी।
सत श्री अकाल जी, बलवंत बोल रहे हैं। सत श्री अकाल बेटा। ओ जी माफ करना, उस दिन मैं गुस्से में निकल गया वहाँ से, लेकिन आप टेंशन मत लो जी, पते हमारी होनी है। बल्लू मैं अभी सुखी से तेरे बारे में बात कर रही थी। देख बेटा, तुम लोग आपस में झगड़ा मत किया करो। ओए तुम लोग ब्रदर्स हो। अभी मैंने गुरुद्वारे में तुम सबके लिए अरदास की है। और मैं तो कहता हूँ जी, वाहेगुरु जी को भी कहो हमारी टीम में ही आ जाए, हमारे सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। चंगा बेटा चंगा। हाँ अच्छा सुन एन जी, शामी आ जाए फिर। अच्छा जी, मिलता हूँ जी। सत श्री अकाल बेटा। सत श्री अकाल। ओए बल्लू मान गया है, शाम को आ रहा है। चल बेटा। हाँ। चल Okay everyone, 5, 6, 7, start! छुपके बैठी है चश्मे के पीछे, कभी ताके ऊपर से कभी झांके नीचे। छुपके बैठी है चश्मे के पीछे, कभी ताके ऊपर से कभी झांके नीचे। हाय लगिया करे दिल ठगिया करे, पापा आप तो बड़े फनी लग रहे हैं। अंकल जी गाने के बोलो बीच को फील कीजिए। ओ जी वही तो कोशिश कर रहे थे। Am I doing it fine? यो तो बेटर देन मलाइका। मैं तो अंकल जी की बात कर रही थी। इट्स वेरी सिंपल। गिव मी हैंड। ओके ना, वो पीछे पीछे, अब आगे आइए। यस राइट, दैट्स इट। पापा ये तो पीटी लग रहा है। मनप्रीत कैन यू गिव पापा सम सिंपल स्टेप? यू शट अप बेटा। मनप्रीत जी पूरे दिल्ली में बड़ी पॉपुलर है, शी इज फैंटास्टिक। देखना कॉकटेल पार्टी तक ऋतिक बना देना पापा। ऋतिक गुड़िया, आई थिंक इज गेटिंग कॉन्शियस तुम्हारी वजह से। यू जस्ट गो, मैं रिहर्सल कराती हूं। प्लीज गो। ऑलराइट, आई एम फैमिश्ड एनीवेज। चलो लेट्स गो सी व्हाट हैपेंड। मैम शैल वी स्टे हियर? नहीं, जस्ट टेक देम इनसाइड, बाहर रिहर्सल करवा दो। यू नो अंकल जी आई एम नॉट स्टिफ, एम जस्ट लूजन अप। लूजन अप। और ऋतिक जैसा डांस करने के लिए ना बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ओ जी आप बोलो तो पूरी रात प्रैक्टिस कर लेंगे। ना स्टैमिना है आपने अंकल जी? ट्राई मी। वैसे तुम कॉल मी अंकल, कॉल मी मोहन। ओके मोहन जी, तो म्यूजिक प्ले करें? हाँ हाँ। पापा जी खाना तैयार हो गया है। गुड़िया बेटा कह रही है कि अगर आप खा लेते तो ना। मनप्रीत जी खाना खा ले। आप चलिए मोहन जी, मैं आती हूँ। मीटिंग। हाँ। समझ नहीं आता मैं रिहर्सल कर रहा हूँ तुझे, मतलब हैं? कबाब सुपर, एकदम सुपर, वर्ल्ड फेमस है। चलो मैम। माय गॉड। हेलो जी, ड्रेस बड़ी सूट कर रही है, सोनी लग रही है। कमाल है, आपके और मेरे टेस्ट एकदम मिलते जुलते हैं। आप भी सैलेड, मैं भी बड़ा लाइट। मेरा तो मानना है इंसान को जितना खाना है खाओ, पर एक्सरसाइज डबल करो। सलमान खान भी यही कहता है। अच्छा जी सलमान ऐसे कहते हैं, तो फिर इसके साथ सुपर स्टार्टर भी होना चाहिए। ओए बॉय। मोहन जी, आई डोंट वांट टू साउंड रूड, पर आपका बाकी का अरेंजमेंट कितना क्लासी है एंड खाना वेरी मिडिल क्लास, इसलिए सैलेड। मेरे ख्याल से तो यू शुड अरेंज फॉर समथिंग बेटर। शादी और संगीत में तो ऐसा अरेंजमेंट नहीं है ना। बगे बगे ये सर, ये अरेंजमेंट किससे पूछ के किया? खाने वाले तेरे ससुराल से आए थे, पूछा किससे तुमने? सर आपने वो जो 10 आइटम्स अप्रूव किए उसके बाद में गो ऐड हुआ सी। मैं तो मतलब जुबान ना लड़ा बग्गे, मनप्रीत जी ने कहा है खाना बेकार है। बेकार मोहन जी, मेरे ख्याल से तो आपकी क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से
You should try Modern Caterers and Decorators. वो गोल्फ लिंक्स की शादी थी ना दिवान्स की, उन्होंने केटरिंग की थी. I was the main choreographer there. इतना टेस्टी और एक्सपेंसिव खाना है, ओह गॉड. अच्छा जी, ओए बगे, मॉडर्न केटरर्स को ऑर्डर दे. आपने जो इन केटरर्स से जो कमिटमेंट किया, मैं मनप्रीत जी ने कहा है फाइनल ना बगे. एड्रेस ढूंढ ले बगे. डिफरेंट में यस गो. अरे ये सैलेड में थोड़ा नमक डलवाएं. मुझे जरूरत है नमक की. हाँ होल्ड करो, पता करता हूँ. सर कृषि मंत्री जी की आवाज़ सुन रहे हैं जी. कहिए. नो नो नो, वी आर हेवीली पैक्ड. ओ जी कोई चांस नहीं है. अरे अगर मंत्री जी की शादी तो हम अपने हाथ में लिया हुआ काम थोड़ी छोड़ देंगे. जी कहिए. उधर जी, मैं बग्गा सबरवाल साहब के यहाँ से आया सी. उठे उनकी कुड़ी दी शादी है जी. केटरिंग की बात करनी है. किससे करनी होगी जी? ऑब्वियसली मुझसे. गुड. ओ बादशाह, अपने सबरवाल साहब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैंगे. उनकी कुड़ी दी शादी और सीरियल तो वो है ना मुंडा सुपरस्टार अमन कपूर, उससे हैगी. लड़के वालों की डिमांड है कि अगर केटरिंग होगी तो मॉडर्न कैटरर्स की. मैंने कहा हो जाएगा जी, मैं इसे चला आया. ठीक किया जी. क्या कहने, जेन्युइन पार्टी लगती है जी, और रेफरेंस भी बड़े तगड़े लाए हैं. मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए जी. बड़ा थैंक यू है जी आपका. आप नहीं होते थे ना तो आज बड़ी मुश्किल हो जानी थी. ओ कोई नहीं जी, आप बंदे ही बड़े जेन्युइन हो और पैसे भी तो डबल दे रहे हो. जी हाँ जी हाँ, हमको भी तो आपका ख्याल करना ही पड़ेगा ना जी. एक गल करनी थी, वो छोटा सा मुंडा आप लोगों का बिजनेस दिखता है जी. छोटा प्राय है जी, 10 साल पहले मम्मी जी को बंगला साहब के बाहर रोता हुआ मिला था. वो उसे घर ले आई. बिजनेस के लिए बड़ा लकी है जी. ओ माई गॉड, एक लावारिस बच्चे नु आपने अपना प्रा बना लिया. बग्गा जी लावारिस नहीं, भाई से बढ़कर है जी. सॉरी जी, मैंने आपको हट किया. बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो पराये नु अपना समझते हैं. Modern caterers and decorators. Quality and quantity. We offer the best. Since summer of 69 ji. Good. Okay. Isse kende class. Bande ko apne ghar mein 5-star ki feeling. Ji. Thanks, Vage. My pleasure, sir. Manpreet ji ko bol dena. Sahi hai teacher ji, sahi hai. Sabarwal ko sahi tarike se apni ungliyon pe nacha rakha hai tumne. Kyun Ballu? Haan, nachane ki to master hai ye. Tere ko to pata hoga. पर मुझे तो टीम में होना ही नहीं था ना सुखी. नहीं नहीं, वो क्या है ना, बल्लू का गुस्सा हमेशा नाक पर ही रहता है. फॉरगिव एंड फॉरगेट. ओए नाक मत काटो मेरी, अगर सबरवाल को भनक लग गई ना हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा. जरा दूर दूर आओ दूसरे से. दूर दूर. ओए छुपके बैठी है चश्मे के पीछे, कभी ताके ऊपर से कभी झांके नीचे. अरे बग्गा साहब निश्चिंत रहिए, बल्लू ने मंडप डेकोरेशन और कन्वेंस की सारी तैयारियां कर ली हैं. अच्छा जी. हाँ आज सब तो कोई बात नहीं, मैंने ना बहुत टेंशन हो गई थी. आप वो तो मैंने कोई टेंशन ही नहीं आया. बस घोड़े बेच के सो जाओ अभी. अरे उठो उठो. अरे यार तू मतलब उतर. सॉरी सर. कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, गलती तो सबके साथ हो जाती है. और अरे वैसे भी कबाब ठंडे हो गए थे, देखो गेस्ट को गरम कबाब सर्व करने चाहिए. I'm sorry, चलो आप तंदूर से फ्रेश कबाब ले आओ. मैं अभी लेके आता हूँ. सॉरी सर. भाई वाह क्या बात है ब्रदर, आप तो ना अपने स्टाफ से बड़े प्यार से पेश आंदे हो. हैं वो बग्गा साहब, स्टाफ ही मालिक को बनाता है, मालिक स्टाफ को नहीं. और जो हमने इनकी इज्जत नहीं ना की तो इन्होंने हमारा भट्टा बिठा देना है. क्या बात है. और इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है. क्या बात है सुखी पाजी, क्या बात है भाई. आओ मोहन जी,
What a performance. I'm impressed. All because of you. एक तो जी आपने जो मॉडर्न क्रिएटर्स दिया ये वो बड़ा इज्जत रहेगी. क्या बढ़िया सा खाना खिलाया जी. और आपने जो नचाया जी मतलब पूरे पार्टी में एकदम एनीथिंग फॉर यू. नाइस. यू आर गेटिंग इट. बगे बगे पापा जी. यस पापा. मंटू जी को घर छोड़ दे. अच्छा मैडम बस 2 मिनट्स. उधर पार्किंग की भसड़ है. मैं निपटा के बस अभी आया. पागल हो गया. अब तू डिसाइड करेगा कि तुझे क्या करना है. Who's your boss? Who's your boss? It's my order. Yes. Say yes. Yes. You'll drop her. Say yes. 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 What happened, Papa? Nothing. You just. Okay. Yes, madam. Please. मैं क्या जी ये बड़े गर्म हो रखे हैं. अब जी. मालिक अगर गुस्सा करे तो नौकर बेचारा क्या करे. अब भाई आप घबराओ मत. इनको मैं छोड़ देता हूँ. इनको मैं छोड़ देता हूँ. मैं नहीं. आप रिलैक्स करो. मैं छोड़ देता हूँ. आओ जी आओ. आप आओ मेरे साथ. थैंक यू बगा जी. बगा जी सर डोंट माइंड बट वो क्या है ना ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं. चलो ना मूड चेंज करने के लिए एक लवली लवली. बगाबा जी एक और लगा लो. सुखी यू आर लाइक माय ब्रदर. बंदे नु रेस्पेक्ट देना तेन आती है यार. और एक सफरवाल 20 साल से मैं इसके साथ हूं. 20 साल रेस्पेक्ट तो तेले भर की नहीं देंदा आएगा. सवेरे से लेकर शामी तक काली गलौज और जलील करता रहता आएगा यार. पाजी आराम नाल तुहानू ज्यादा हो गई है. ज्यादा तो इस सबरवाल कुत्ते की हो गई है. मैंने क्या साहब जी मेरी बेटी नू अपने स्कूल विच एडमिशन दिला दो. साथ कहंदा है तेरी बेटी इत्थे पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन जानी है क्या. अरे जा इसे किसी चुंगी दे स्कूल में एडमिशन करा दे इसका. और श्याम बाबू सुखी यार मेरे दिल में ऐसी भी थी. अरे तुम लोगों उस अनाथ बच्चे को कितना प्यार दे रहे हो. पाल पोस के बड़ा कर रहे हो. भाई गुरु ने सबको एक मौका देना है आपको भी. अभी ला वहां जो फार्म हाउस है या महाराणा प्रताप का किला. गोड्डे घस गए ढूंढते ढूंढते खजाने के मिल ही नहीं रहा. एक ही जगह बची है उसका बेडरूम. अरे तो अभी तक बेडरूम चेक नहीं किया. ओए वहां जाने नहीं देता किसी को. तो अब क्या करना है. कल माता की चौकी है बस वही मौका मिलना है. ठीक है संभाल के. जयकारा शेरे वाली दा. वाओ इट्स सो अमेजिंग. आई टोल्ड यू ज्यादा ना पिया कर. जीजा जी पता चल गया कि ऐसी आते पी के आए तो सानू दुड़ा दुड़ा के मारेंगे. ओ तांगना चल गया रे जा नहीं रहा दुड़ान के किदा.
तेनु मैं लव करदा तेरे भजन जपदा ओ मेरी शेरा वाली है तू तेरी बेस्टी करे सानू तू ब्लेस कर दे दुख साडे लेस कर दे ओ मेरी शेरा वाली है तू तेरी बेस्टी करे सुबह होने ना दे सात होने ना दे तेरे चरणों में यूं ही बैठ रहे ओ मेरी माता ओ ओ ओ माता ओ ओ ओ माता ओ मेरी माता ओए जल्दी कर यार टाइम कम है पैसे की रेन कर दे दूर ये पेन कर दे ओ मेरी मेरा वाली है ओए इधर आ गया इधर आइए देख इसको देख प्लान परफेक्ट कर दे ओ मेरी शेरा वाली है तू सिर्फ बेस्ट ये करे सुबह होने कितने करोड़ एक बार बोल दिए तो रख रहा हूं मोहन जी आप वो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी हाँ बोलिए यहाँ नहीं तो कमरे में नहीं नहीं वो बालकनी में चलते चलिए ना आइए बहुत अच्छा गाती है तेरे चरणों में यूं ही बैठ रहे मोहन जी वो मेरी फ्रेंड है ना शिल्पी वही जिसने मुझे रेकमेंड किया था हाँ जी 25 को हमारी डांस अकेडमी का इनॉग्रेशन है कालका जी में और मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पर चीफ गेस्ट बन कर आए ओ जी मैं चीफ गेस्ट प्लीज मना मत कीजिएगा ओ जी आप कह रही हैं तो थैंक यू ऐसे एक बात कहें मनप्रीत जी ड्रेस बड़ी सूट कर रही है हाँ जी ओ सर जी ओ चलिए जल्दी से वहाँ पे और रमन जी पवन जी ना वो लेडी सिंगर को ऊपर चढ़े हुए हैं अरे जल्दी जल्दी आप अगर नहीं गए ना तो माता यहीं प्रकट हो जानी है हाँ वो कुछ नहीं वो बच्चे हैं आपस में खेल रहे होंगे ऐसा कर दूर रुक मैं आ रहा आइए मैं बस अगर तुझे शर्म नहीं आती मनप्रीत के सामने ऐसे बोलते हैं अरे भाई वो सबके सामने चढ़ सकते हैं और मैं उसके सामने बोल नहीं सकता ये देखिए ये देखिए आप प्लीज कुछ करिए ना कुछ तो हो सकता है ना देखिए मैं जानता हूँ कि मिस्टर बवेजा बहुत ही ईमानदार आदमी थे लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता सीधे कोर्ट से ऑर्डर आया आप लोगों के पास 5 दिन बचे हैं आप लोग इन्वेस्टर्स को समझाइए कि वो अपना केस वापस ले लें नहीं तो मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी एक मिनट हेलो हाँ जी मम्मी जी हाँ बलवंत बोल रहे हैं जी ओ जी यहाँ पे तो खजाना कहीं पे भी नहीं मिल रहा जी माता रानी हमारी मदद कर नहीं रही लगती आप ही कुछ करो मम्मी जी ठीक We'll be right back.
एक्सक्यूज मी। यस सर। सर हु इज योर सीनियर मैनेजर? कॉल हिम राइट नाउ। टेल मी सर, आई एम हियर फॉर यू। आई ऑर्डर्ड फॉर सोया सॉस 15 मिनट्स बैक। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू ईट माय सुशी? सर वो हमारे एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं अर्जेंटली, तो सो सब उनकी वाइफ है। हेलो मैम, सो प्लीज टू सी यू। एज यूजुअल वी हैव बुक्ड द टॉप 3 फ्लोर्स ऑफ आवर होटल स्पेशली फॉर यू। प्लीज कम। नमस्कार नमस्कार मिसेस मेहता, नमस्कार, गुड टू सी यू, बड़े दिनों बाद। कहाँ थे आप? मैं मिलान गई थी फॉर द पावर प्रोजेक्ट, है ना। और आपकी पार्टी कैसे चल रही है? बस मैम, आप ही के फंड से चल रही है हमारी पार्टी। डोंट एम्बैरस मी, आई ट्रस्ट योर पार्टी। थैंक यू, अलाउ मी मैम। थैंक यू। Excuse me sir. हद हो गई। सोया सॉस ऑर्डर किया था, ये क्या है? Sir, this is a bottle of rare wine from Mrs. Hansal Mehta, specially for you. Mrs. Hansal Mehta, if you don't mind, can I ask one question? आप करते क्या हो जी? Hansal Constructions, Hansal Finance, Hansal Shipping, Hansal Chemicals, Hansal Fisheries, Hansal Farms. इसका मतलब जी, हंसल प्लाजा, हंसल मॉल, हंसल आर्केड, वो आप तो ही गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा तक छाए हुए। इट्स माई प्लेजर टू मीट यू मैडम। लाइकवाइज माई प्लेजर। इट्स ग्रेट मीटिंग यू अमन कपूर, द बिग स्टार। आई विश शैलजा वॉज हियर। हु? माई डॉटर शैलजा। अच्छा। शी इज अ बिग फैन ऑफ योर्स। इन फैक्ट मेरे दोनों बच्चे, दे आर बिग फैन ऑफ योर्स। एक भी एपिसोड तुम्हारा मिस नहीं करते। शैलजा तो आपका हर एपिसोड रिकॉर्ड तक करती है। अच्छा। तो आप लोग यहाँ शूटिंग के लिए आए? और नहीं जी, नहीं। तो दरअसल जी, अमन जी इज गेटिंग मैरिड, मिस्टर सबरवाल डॉटर की ना गुड़िया? गुड़िया गुड़िया। तो आप लोग तो जानते होंगे जी उनको। एक्चुअली मिस्टर सबरवाल के बैंक और स्कूल की जमीन हंसल रियल एस्टेट ने ही उन्हें बेची थी, लेकिन पेमेंट अभी तक बाकी। चला, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। सॉरी। हाँ, कांग्रेट्स इन एडवांस बेटा। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैम, दिस इज द लिमिटेड एडिशन वॉच जो आपने अपने बेटे के लिए ऑर्डर की थी। इट्स कम। That is classy. Fabulous. You like it? Give it. Your wedding gift. अरे नहीं, अरे अरे नहीं क्या? अरे बर्थडे जब देते हैं तो मना नहीं करते। चल प्यार से दे रहे हैं, वो रख ले उसको। Take it. Take it. Thanks. अगर मैं आपको मिसेस हंसल मेहता की जगह आंटी जी बुलाऊं तो? कमाल करता है यार तुम। आंटी जी तो है वो, और आंटी जी को अब तेरी शादी पे भी आना है, वरना हमें ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करनी, वापस कर देना। बोलो ये आओगे कि नहीं आओगे? चेक दैट। एक्सक्यूज मी, रेस्टरूम से आता हूँ। आया अच्छा किया। हेलो। नो 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 मिस्टर सबरवाल, मैंने कितनी बार कहा है प्लीज मैडम को फोन मत कीजिए, हम आपके साथ कोई बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, एंड प्लीज डोंट कॉल अगेन। बेटा जी क्या कर रहे हो? वो इतनी सारी ब्राउनियां, वो क्या टेंशन है, मुझे बताओ तो सही। नो इट नॉट डैड, व्हेन अमन जी इज टेंस, अमन जी इज ब्राउनी। हाँ हाँ, बात क्यों है वो तो बताओ। सबरवाल, He's a big time fraud. और अभी लेकर आए थे ना रिश्ता? अरे बेटा जी, मैं ही लेकर आया था, आपको ही तो 15 करोड़ में अपनी फीचर फिल्म लॉन्च करनी थी ना, इसमें मैंने क्या गलत किया, मुझे ही तो बताओ। एक बार को शादी हो गई, हाँ, बाद में रिसेप्शन पे अगर पैसे देने से मुकर गया तो? और नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है। I'm telling you, Dad, let's not take a risk. वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या डिसाइड कर लिया? पहले पैसे फिर फेरे। एक सुनिए, बॉयफ्रेंड,
मैं अगर थोड़ा चुम्मा लूं तो तू मुझे क्या समझेगी? गर्लफ्रेंड फुद्दू। फुद्दू क्यों? गर्लफ्रेंड भरी थाली छोड़ के तू सिर्फ अचार चखेगा तो फुद्दू नहीं हुआ। हेलो अरे सबरवाल साहब। हाँ वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ जी दसो। वो जो हमारी जारी रकम के डिसाइड हुआ था ना जी, वो हमें फिर उससे पहले चाहिए जी। ओ जी क्यों हो गया जी? ओ कुछ नहीं हुआ जी, बस एक पर्सनल रिक्वायरमेंट आ गई है, मैं बता दूंगा जी बाद में आपको। ओ लेकिन कपूर साहब हमारे बीच तो गल हो चुकी थी कि रिसेप्शन के बाद पैसे मुंबई में देने थे। ओ नहीं जी, हमें तो फिर उससे पहले ही चाहिए जी। आप बस इंतजाम कर लो जी। हाँ जी अब गल तो। हाँ भाई ठीक है। अब किना आपने अमन जी के डैडी वाली बात। प्यो तो प्यो वाली बात ही करेगा ना आदमी, बेवकूफ नहीं कर। स्वामी जी एक प्रॉब्लम आ गया सी। बोलो। वो तेज कपूर से बात हुई थी कि शादी की रकम रिसेप्शन के बाद मुंबई में देना सी। वो साला अपनी बात से मुकर गया जी। वो कह रहा पहले पैसे के मुंह दिखाओ तो बारात घर में घुसेगी। तो स्वामी जी वो बैंक वाले पैसे जो आपके पास मैंने रखे ना वो अरेंज करके रखिएगा, मैं लेने आ रहा हूँ अभी। तू वहीं रुक। क्यों क्या हो गया जी? शनि का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर है। मैं नहीं चाहता कि गुड़िया की शादी में कोई अड़चन आए। शनि को शांत करने के लिए तुझे जो उपाय बताए थे उसकी तैयारी कर। पैसे हम खुद लेके आते हैं। वो बग्गे फिर उससे पहले जो 100 ब्राह्मणों को बुलाना था वो बुला दिया ना। परफेक्ट जी, सारा इंतजाम हो गया सी। की गल हुई? पैसे फार्म हाउस में आ गए। तोड़ा सारा पैसा वापस दिलवाऊंगी, सूद समेत विद इंटरेस्ट, बस विश्वास रखो। यार ये रोंदा चेहरा क्यों बना रखा है? हैप्पी चेहरा बना यार, ब्याह तेरा आज। अरे ब्याह तो नाचू मैं, वो तुच्छे सबरवाल ने बोला था दूल्हा हेलीकॉप्टर से उतरेगा। कहाँ हेलीकॉप्टर? सुपरस्टार अमन जी ये मोर बग्घी पे बैठा चला आ रहा है। 15 करोड़ देखे बगैर ना घुसना नहीं है मैंने अंदर में। बता दे यार मुझे एक बात बता। और जब मैंने अपने फेरे बगैर पैसे के नहीं पढ़ने दिए तो तेरे कैसे पढ़ने दूंगा? और तू टेंशन मत ले, तेरे पास 15 करोड़ आएंगे ना तू अपना हेलीकॉप्टर खरीद लियो। ठीक है चल। और मुस्करा और चलो बजाओ। जी दुल्हन का एक बार चेहरा दिखा दो जी। बेटे फिरू के पहले नहीं देखे अगर मेरी कोई इमरजेंसी नहीं होती ना मैंने आपको ये तकलीफ देनी ही नहीं थी बिल्कुल भी। ओए बादशाह इस पर तकलीफ की क्या बात है? मुर्गे नु चाहे दुकान विच काटो चाहे जंगल विच काटो उसे तो कट रही है। अरे दमाद जी पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसे यहाँ सेफ है जी,
नॉट टू वरी कपूर साहब को कोई नया जोक आया तो सुना बड़ा अच्छा पाल रखा गजरू कपूर साहब ये वो कुत्ता है जो भोकता नहीं जी जोके सुनाता अरे नहीं पाजी पाजी आपके लिए तो एक बढ़िया सा प्रोग्राम रखा है देखते ही पाजी आंखें फटी की फटी रह जाए मजा आ जाएगा पाजी चलो चलते पाजी चलो चलो और बग्गे तू थे रुक नमस्कार आशीर्वाद दे के जाइए धन्यवाद चल भाई आगे चलिए ओम आ पवित्र पवित्रो वा सर्वस्थान गतोपि वा या स्मृते पुंडरीकाक्ष स्वयभयंत्र सूचि ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायण नमः ओम ऋषिकेशाय नमः एक्सक्यूज मी मिस्टर रमन कपूर आपके लिए फोन कौन है पता नहीं लेकिन कह रहा है बहुत जरूरी बात करनी है इट्स अर्जेंट हेलो हेलो शैले छोड़ जय माता दी बोल तू दूल्हा नहीं मामा बन रहा है व्हाट क्या बकवास कर रहा है बे तू है कौन मैं ओबामा बोल रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुन तेरा बहुत बड़ा कट चुका है जिन पैसे के लिए तू शादी कर रहा है ना वो पैसे बाग में से गायब हो चुके हैं पिक्चर तो छोड़ अब तेरा तेल कार्ड भी नहीं बनेगा फिर उसे पहले बाग चेक कर लियो नहीं तो तेरी बहुत बड़ी फ्लॉप हो जानी है हेलो हेलो क्या हुआ जी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ जी कुछ कुछ नहीं आप बैठो मैं दो मिनट में आ रहा हूँ बैठो बैठो अरे लेकिन बात बात क्यों हुई बात अरे बेटा जी बात तो सुनो क्या हुआ जी किसका फोन पता नहीं डैडी जी बंद कराओ इनका नाटक सालों ने बेवकूफ समझ रखा हमें ये क्या मजाक है अंकल जी क्या ये सब देखो पूरे 15 करोड़ गायब है बैग में से और ये नदी भर रखा है अचार लगाऊं मैं इनका मैंने तो पहले ही कहा था आपसे फ्रॉड है साले सबरवाल साहब क्या है ये पैसे कहाँ हैं पैसे कहाँ हैं सबरवाल एक मिनट कपूर साहब मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पैसे कहाँ हैं घर के अंदर चलिए ना वहां बात करते हैं और सबरवाल जो बात करनी है ना यही पर और सबके सामने कर और ये बता पैसे कहाँ हैं अरे पैसे पैसे तो तुम लोगों ने देखे थे और बग्गे 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 ए बग्गे ये साला कहाँ गया पैसे पैसे का ख्याल तो वही रखने वाला था देख अरे क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ और मजाक तो सबरवाल साहब तुम कर रहे हो यार पैसे दिखा के तुम फेरे करवा रहे थे वो अपनी एवरेज की बेटी 4 फुट तो चुप चुप साले गंदी जुबान से मेरी गुड़िया के बारे में कुछ बोला ना तो काट दूंगा साले बिल्कुल ठीक कह रहे जीजा जी अरे 3600 देके तुम जैसे टीवी स्टार और कितनी बेइज्जती करानी है जीजा जी ओए टीवी स्टार चक्कर अपने बराती तो दबा ना तो बकवास बंद कर बहुत हो गई तुम लोगों की नौटंकी डैडी जी शादी कैंसिल चलो यहां से रुक यार शादी तो कैंसिल है बात करने से मुझे इससे ओ सबरवाल ओ मुझे तो बहुत पहले ही मिसेस हंसल मेहता ने बता दिया था कि तू बहुत बड़ा फ्रॉड है लेकिन यार मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि तू इतना नीच होगा कि अपनी बेटी की शादी में भी फ्रॉड करेगा चुप साले चुप चुप साले चुप किसके सामने खड़ा होकर बात कर रहा है मालूम है सबरवाल ये एम्पायर मेरा है कौन है रे मिसेस हंसल मेहता कौन है जो मुझे चाहती है कौन है बोल बोल रे मैं मिसेस हंसल मेहता नहीं कौन हो तुम जसबीर बवेजा रविंदर बवेजा दी बीवी क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा ना सबरवाल और ठहर जाओ मम्मी जी इसको सेक दे दे के हम समझाते हैं तेरे स्कूल के प्रिंसिपल सेठी की क्लास हमी ने ली थी तुझे 3 करोड़ का चूना लगा के कैसे आ लो वो तो बहुत देर से आप स्कूल की तरफ आए नहीं ना तो मैं कुछ देखने चला आया कि सब ठीक ठाक तो है और उसके बाद तेरी डेयरी में तेरी दही भी हम ही ने जमाई थी ओ जी जी एक स्यापा हो गया है ओ जी डेयरी पे रेट बढ़ गई है
उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस तक पहुंच चुकी। और फिर हम सब ने तुझे मिलके नचाया ताकि तेरे पैसे ले सके। मनप्रीत सालो, जानते नहीं कौन हूं मैं। पता है साले कौन है तू? तेरी वजह से मेरे पापा जी की जान चली गई और सायरा भाभी अभी तक जेल में है। मैं सुखविंदर बवेजा, रविंदर बवेजा का बेटा। मैंने कसम खाई थी कि मैंने अपने पापा जी का खोया हुआ सम्मान वापस लाना है। ओए, जिस तरह तूने इन्वेस्टर्स के पैसे लूटकर बवेजा जी को फंसाया, असी तेरे पैसे लूटकर तेनू फंसाया। लूट के पैसे? वो पैसे सबरवाल के घर से बाहर लेके जाके दिखाओ तुम लोग। ओए, पैसे तो तेरे फार्म हाउस से जा चुके और तूने अपने हाथों इन्वेस्टर्स के पैसे विद इंटरेस्ट वापस किए। गल्ला मार दे। चल भाई, आगे चल। सर जी, एक जोक सुनाओ। रहने दीजिए, आज तो आप खुद ही एक जोक बन के रह गए। तू बक्के, जिस थाली में खाया उसी में साले तूने छेद किया। हाँ? और सुनो, बीसियों बवेजा को मरवाया है ये सबरवाल और साले आता है। हट बाजू, हट। बहुत हो गया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप और ये सब मामा के जाने के बाद हमें सब कुछ से माय हीरो, यू हर्ट मी, यू आर नॉट माय पापा एनी मोर। प्लीज चले जाइए आप। यही होना था तेरे साथ सबरवाल, इससे बड़ी सजा तेरे लिए नहीं हो सकती। आज बवेजा जी की आत्मा को शांति मिल गई। सारे गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर मोहनलाल सबरवाल को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाती है। जिंदगी की गाड़ी सबरवाल की सजा के साथ रुकी नहीं, मनप्रीत और मेरी शादी हो गई, नानी जी को फ्री केबल कनेक्शन मिल गया, मिंटू के जगराते का साइड बिजनेस हिट हो गया, बल्लू पहले भी जुगाड़ू था और आज भी है, कबूतर को बिना डोनेशन के एडमिशन मिल गया, बग्गा जी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जोक सुनाने के लिए एक बड़ा परिवार, पर जवाब नहीं हमारी मम्मी जी का। सुपर हीरो तो बहुत देखे हैं हमने, पर हमारी मम्मी जी जैसी सुपर हीरोइन कोई नहीं। मोहन है ना? अरे नहीं, अभी ध्यान से देखो। हाँ, ये तो सब सारे अपने लौंडे हैं, भगवान जी के पड़े रहते हैं। भारी है? नहीं। काका सामान लेना, धनिया लेना है, इसके यहां से लोगे उसके यहां से लोगे? पहले नींबू देना, नींबू और धनिया भी दे देना बेटा। इम्तहान तैयारी कैसे चल रहा है? अबे चल रहा है, अब पढ़ लिख करके अब्दुल कलाम थोड़ी ना बनना है।
हमारा सारा फोकस प्रतियोगिता पे है, अब उसी का तैयारी में लगे हुए हैं। थोड़ा सा भी अगर जीत गए और भगवान जी अगर चिट्ठी दे दिए तो भर्ती हो जाएंगे रेलवे में, नहीं तो पुलिस में, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी विभाग में। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर नेताजी के साथ बॉडीगार्ड कर लेंगे। अंसारी गैंग में तीन वो तो है, मैं हुआ आजमगढ़ का, यही तो कर रहा है। अंसारी खुद नेशनल लेवल का शूटर है। बड़ा जानकारी इकट्ठा किए हुए तुम, यही करना है तो मुक्केबाजी से अच्छा शूटर बन जाते। मेरठ में सारा गैंग है नेशनल लेवल शूटरों का है। हंसी आ रही है बेसरम, इसीलिए नाम खराब है उत्तर प्रदेश का खेल में। एक मिनट, का मोहन गुरु तुम्हारा वीडियो देखे। कौन सा वीडियो? वही जिसमें दो लंडों को मार रहे थे भका भक। अरे हम कहां थे? अच्छा तुम्हारी आत्मा थी, धो गलना चाहिए। हम कहां थे? तुम्हारे जैसे खिलाड़ियों की वजह से ना हॉकी, कुश्ती और कबड्डी में भी मेडल नहीं आता बेटा। ऐसे की खेलने के लिए तो अब कोई खेल ही नहीं रहा है। खिलाड़ियों की इज्जत है दो कौड़ी। घर में घुसो तो पिताश्री मारे रहते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के नवाबजादे खेलने बैठे हैं। MP3 है उनका ही रोज का। बाहर सरकारी अफसर मारे हुए हैं खिलाड़ियों के। कई बार तो हमको लगता है ना शंकर, इसी गुस्से में कहीं हम ना बन जाए उत्तर प्रदेश के पहले माइक टायसन। कोच हैं इसलिए भारतीय खिलाड़ी की मानसिकता को समझते हैं। वर्जिश से सभी जीत चुराते हैं। 4 किलोमीटर भागने के तो चाय की दुकान पे जाके वापस आ जाएंगे। ले आए कुछ सब घुमाना पड़ता है, बोरा अनाज का, आलू प्याज का। ओ इसको अंदर रखो यार। जी कुछ सब इसी बहाने वर्जिश भी हो जाए। कटो कटो, नहीं तो सब साले ठलुए खटिया तोड़ते रहते हैं। ये आटा लाए हैं, कहाँ रखे? सुनैना इसे बताना कहाँ रखना है आटा। और वो प्याज वगैरह अंदर नहीं आएगा, मीट बनाने का सामान बाहर ही रखिए जहाँ मीट बन रहा है। यहाँ रख दे। आटा रख दिए अंदर, आटा अंदर रख दिए। रख दिए तो ढिंडोरा काहे पीट रहे हैं? मीट का एको प्लेट अंदर नहीं आना चाहिए। पंप पर लाइफ बॉय रखवा दिया है, वहीं खाइए वहीं धोइए। जी का मोहन, अरे चलिए रहा तुम लोग का क्या करें? अबे साबुन से धो रहे होगा तुम लोग? अरे वो हाथ धोने के लिए है भाई। अबे इतना, अब भगवान जी पूरा बकरवे मंगवाए का? 10-12 किलो होगा, 2 किलो तो अकेले भगवान जी का खुराक है। मुझे एक बात बताओ कि भगवान जी को कोई बेटी है क्या? अरे उनका कोई संतान नहीं है। लेकिन सर भिवानी मॉडल कम समय में 6 ओलंपियन पैदा कर चुका है। अबे भिवानी मॉडल कौन मालिक है बे? कुबा मॉडल की नकल है। तुम चाहते हो हम नकल की नकल करें? बौरा गए हो क्या? क्या करते थे पत्रकार बनने से पहले? सर हम भी खेलते थे शटल कॉक। अच्छा साला पीठ तोड़ने को कहे थे, रीढ़ का हड्डी नहीं। हाथ फिसल गया कुसब। हमारा हाथ फिसला ना तो संभाल नहीं पाओगे। जाओ तेल लेके आओ, कुने में पड़ा है। साला इतना साल हो गया मालिश भी नहीं करना है। आए हैं बड़का मुक्का बाजी करने। जाटों के साथ छोड़ दो इनको, 3 राउंड नहीं टिक पाएंगे सर। खड़ा खड़ा मुंह का देख रहे हो बे, तेल लेके आओ। वो लोग नहीं टिक पाएंगे हमारे सामने। एक बार आप खड़ा तो करिए। फिर से बोलो। आप बोले ना जाटों के सामने खड़ा कर दे तो वो लोग नहीं टिक पाएंगे 3 राउंड हमारे सामने रिंग में। एक बार हमको खड़ा करिए। बहस मत करो, तेल लेके आओ। को सब बुरा मत मानिए लेकिन हमें मुक्काबाजी करने आते हैं, आपका तेल मालिश करने नहीं आते। आप नौकरों के जैसे सबसे काम करवाते हैं। कोई लहसुन छिल रहा है, कोई टमाटर कूच रहा है, वो लोग मीट धो रहे हैं, कोई गेहूं पिसवाता है तो हम खुदे पिसवाए। ऐसे थोड़ी हवा में पैदा हो जाएगा माइक टायसन को साहब।
जाओ जाके चिता लगा लो अपना मुक्काबाजी के सपने का। जब तक भगवान दास मिश्रा जिंदा है तुमको तो बेटा कहीं से खेलने नहीं देगा। जाओ जाके किसी और लाइन में खड़े हो छोटा सा। फोन लाओ हमारा। मुश्किल है अपना मेल प्रिय ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। अरे सुनो जरा तौलिया देना। देख क्या रही हो, तौलिया मांग रहे हैं। बहरी हो क्या? अरे तौलिया मांग रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुमको क्या लगता है तुम्हारी बदतमीजी दिखाई नहीं देती हमको? उस पे हाथ क्यों उठाए? किया गया इसने? तौलिया मांगा था। सुना हमने, सबने सुना, इसीलिए तुम लेके आई है। ये भी यही कहने की कोशिश कर रही थी। क्या गुर कह रही हो? आंखें फोड़ देंगे तुम्हारी। बाहर जा सुने ना, जाओ यहां से। बड़ों की इज्जत भी नहीं करनी आती। इस मनहूस को यहाँ लेके मत आया कीजिए, किसी दिन आपा खो बैठे अपना तो गला काट के वहां आएंगे इलाहाबाद में। बेटा जहां कुछ कर ही नहीं सकते वहां आंख नीचे और हाथ जोड़ के रहने में ही भलाई है। क्या है? कुछ नहीं, कागज मिलेगा। सुनैना यही नाम है ना तुम्हारा? तुम सोच रही होगी यह चिट्ठी कौन लिख रहा है। हम वो हैं जिसकी कुटाई उस दिन हुई जब पहली बार तुम्हें भगवान जी के घर में देखे। तब से अभी तक शांति नहीं मिली, रोज ही कुछ न कुछ महाभारत हो रही है। हम अपना नाम तुम्हें फेस टू फेस मिल के बताएंगे, यदि अभी तक नहीं मालूम है तो। तुम अभी हमारी नज़र और दिल में फिक्स हो गई हो। तुम्हारी नज़र और दिल का तुम्हारे ऊपर है, भरपूर प्रेम सहित सिर्फ तुम्हारा। अरे भाई एक कागज और मिलेगा, एक। दस्तखत वस्तखत कहाँ करना है? अरे रजिस्टर में आपका नाम ही नहीं है। मुश्किल है अपना मेल प्रिय ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। हम तुम अफसर बाबू की बेटी मत
फसते सन का बेटा हूँ, तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सब रेटा हूँ, मैं तो सत्तू सब रेटा हूँ। अबे जे तो देखी भी नहीं बे। अबे देखने तो हम आए थे ना। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ, तुम नहीं मरूदी लगती हो, मैं इस कूटर लम रेटा हूँ, मैं इस कूटर लम रेटा तोड़ प्रिय भिजवा देंगे वो जेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। हमारे तो पंडित जी हमसे क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में दो चीजें मिलना परम निश्चित है, एक प्रगति और दूसरा उन्नति। प्रगति जो है वो मिलेगी 28 की उम्र में, और उन्नति जो है वो प्रगति मिलने के बाद। और हम 28 के हो गए हैं। बाय द वे आपका नाम क्या है? प्रगति दुबे। तिवारी, गोपाल तिवारी। हमारा नंबर टाइसन नाम से सेव कर लो। तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल, तुम ही दिरस की बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल, मैं कंकड़ वाली दाल, तुम हिरण जागरी भरती हो, मैं हूँ कछुए की चाल, तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की चाल, मैं हूँ बबूल की चाल, मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मार मुझे गुलेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है मेल प्रिय। सुनो, हम बोल दिए तुम्हारे पापा को कि तुम्हारा बॉक्सर आने वाला है उनसे मंदिर में मिलने शादी की बात करने के लिए, पर हम तो जानते हैं कुछ होने वाला नहीं। पता है बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, जानती हो ना अपने चाचा को। श्रवण जी, मेरे छोटे भाई को तो तुम जानते हो कितना पसंद करते हैं तुम्हें, काहे सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हो। अरे हम कुछ बर्बाद नहीं करना चाहते अंकल, वही जानबूझ के हमारे पीछे पड़े हैं। तुम भी तो माफी नहीं मांगते उनसे। हाँ बाबा, शादी तुम्ही को करनी है, लेकिन तुम पहचानती नहीं अपने चाचा को, मरवा देंगे तुम्हें, तुम्हारे पापा को और तुम्हारे वो हीरो को और हमको भी सबको। अंकल नाम भगवान रख लेने से कोई भगवान तो नहीं हो जाता ना, भगवान तो यहाँ रहते हैं जहाँ से आप आ रहे हैं, और यहाँ सबको तो पता है उनका गुंडागर्दी, आपको भी पता होगा, आपका ब्लड का रिश्ता है, ज़्यादा पता होगा आपको। और शादी करके खिलाएगा क्या तुमको? हमारी अम्मा जो है ना बहुत बढ़िया खाना बनाती है। तो जिंदगी भर बाप की कमाई खिलाओगे? लेकिन हमारे गाँव में खेत थे, दादाजी के ही थे, लेकिन कम से कम घर में खाना तो था। उम्र कितनी है तुम्हारी? 29। कभी नौकरी की है? अगले महीने प्रतियोगिता है, जीत गए तो रेलवे में नौकरी पक्की है, और नहीं जीते तो? अगर लड़का काम नहीं करेगा इज्जत कर पाओगे उसकी? छोटे थे तो काम करते थे हम, हाँ हाँ खाना भी बनाते थे। लड़ता है तुम्हारे लिए, उसके लिए लड़ेगा ही ना, बॉक्सर है। अरे रुको, क्या क्या हो गया भाई? सी कौन देखता है? ततर ततर। वो हीरो रणबीर सिंह। हाँ किसको देखता है? दीपिका पादुकोण को देखता है। हाँ समझ गए, रणबीर सिंह जैसे दीपिका पादुकोण को देखता है, ऐसे ये तुम्हारा बॉक्सर तुमको देखता है, है ना? देखो बेटा, रणवीर सिंह जी रहते हैं वहाँ बम्बई में, दीपिका जी भी बम्बई में है, तुम रहते हो यहाँ बरेली में,
अब हमको नहीं पता कि प्रकाश पादुकोण जी अपनी बिटिया को कैसे पाले थे, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हम भी अपनी बिटिया को कुछ वैसे ही पाले हैं। ये फिल्म लाइन में माधुरी दीक्षित जी 30 पार करके भी शादी कर सकती हैं, रेखा जी नहीं भी कर सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना। अब तुम्हारी खातिर हम अपनी बिटिया की बदनामी तो करवाएंगे नहीं, तो जब नौकरी पा जाओ सुनैना को ले जाओ। 3 दिन है डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट को। हाँ पता है, कोनो मौका चूकना नहीं चाहिए। ये आँख का कसरत कर रहे हो कि नहीं तुम? अबे आँख एकदम सही है बे। अच्छा एक बात पूछे? पूछो। ये जो हमारी आगामी भाभी है, हाँ, तुम्हारे वर्तमान के कोच साहब की भतीजी ना होती तो तुम्हारी ये जंग जारी रहती क्या? अच्छा अबे साला बॉक्सिंग तो तुम्हारा जुनून है ना। हाँ है। इसके लिए तो तुम कहीं भी दंडवत हो सकते थे, तो जहाँ रफू का काम हो तुम कैची कहाँ चला रहे हो बे? अबे प्यार अंधा होता है ना बे। अंधा होता है, बेवकूफ थोड़ा होता है। देखो गोपाल, तुम्हारी भाभी हमको पसंद नहीं इसलिए करती हैं, कहे कि हम उसके चाचा के सामने खड़े हुए, अब हम हिल नहीं सकते बेटा, सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम पैर पकड़ो। हो गया, सो। का किए? फाड़ दिए? बदलुआ बहुत बढ़िया सिलता है, सिलवा देंगे उसी से, डोंट वरी। ये जूते का जुगाड़ हो गया गुरु? कहाँ? वो देख रहे हो आलमगिरीगंज वाले कट्टू का लौंडा, हाँ, उसे शर्त लगाई है। का लगा लिए? कि तुम 5 ईटा तोड़ दोगे खास से, ढाई हजार देगा। पगला गया उनका बे, हैं? 3 ईटा से ज्यादा हम कभी तुड़बे नहीं किए। तो तुमसे नहीं हो तो किससे होगा? लेवल बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? हाँ चलो। ब्रूसली कितना ईट तोड़ता था? ब्रूसली? चीन में ईट कहाँ होता था बे? अभी चीन से थोड़ी था। कहाँ से था? हॉलीवुड से था। चलो मेरे शेर, 5 भी टूटेगा। एक एक करके, कभी किए नहीं, 4 रखो। टूट गया, टूट गया। दबा के। बोली। हाँ। सर किसी और की शादी नहीं, अपनी शादी में। आपको निमंत्रण पत्र तो दिया था सर, 2 दिन का समय दे दीजिए। अरे सर नहीं जाऊंगा, हनीमून पर नहीं जाऊंगा जब तक डेमो नहीं देती। अरे बिल्कुल कसम खाता हूँ सर आपकी। सर पता है एमवे का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट का है, सर पे लगा लीजिए, बाल भी उगाते हैं। खाओगे क्या?
हम 26 के हो गए हैं और हमें ब्याह करके मेहरारू की जिंदगी नहीं काटनी। परसों बड़ा रिश्ता आ रहा है हमारे लिए और फिर गाय की तरफ बांध दिए जाएंगे हम। उसके बाद ताज जिंदगी हमारे गोबर का गोइठा बना के हमारे सपने जलाना हाथ सेकने के लिए। कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। हाले डोले किसी की नथुनी झूमे किसी का झुमका, हर गोरी दिल थाम ले अपना ऐसा लगाऊं ठुमका। ये यहाँ क्या कर रहा है? लड़के वाले की तरफ से ब्याह सगाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। चाल देख ले, चाल चाल देख ले, चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, ले, ले। जरा गैस बंद कर दीजिएगा। चौरसिया के लौंडे का नौकरी लग गया नोएडा में, तुम्हारे साथ पढ़ता था ना वो। इस देश में ध्यानचंद हॉकी खेल के अपना घर नहीं चला पाए, तुम मुक्काबाजी करके चलाओगे। क्या बोलिए प्रवचन? पान खाए हैं। कहीं जम गया है? थूक दो। कहाँ थूके हैं? हमारे मुंह में थूक दो। सपनों पे हग चुके हो, इज्जत पे मूंछ चुके हो, मुंह में थूक दो। लिस्ट लगाने जा रहे हैं, जिन जिन का नाम लिस्ट में है परसों सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना है, और जो नहीं पहुंचा डिस्क्वालीफाई। ओके सर। सब बात इसमें लिखा है। नाम देख, नाम देख, मेरा देख, मेरा देख। हटो यार। भाटिया सर, हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के लिस्ट में हमारा नाम इस बार भी नहीं है। हमारा बॉडी वेट सही चल रहा है, एकदम फिट चल रहा हूँ। सब बॉक्सर जिसको हम दो मिनट में कई बार नॉकआउट किए हैं, सबका नाम है, हमारा नहीं है। तुम्हारा बीपी हाई है? अरे बीपी कैसे हमारा हाई है सर? क्या मतलब, अभी देखो ना तुम्हारा बीपी हाई है। हाँ तो ठीक है, हम बर्फ के पानी में नहा के अपना बीपी ठीक कर लेंगे। पिछले साल आप लोग बोले कि हमारा आई साइट खराब है, हम पूरा साल पपीता खाए हैं, शीर्षासन किए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लेके आए हैं। 2015 में आप लोग बोले हैं कट लगा था, फट जाएगा। अरे अगर कट है तो खेलते समय अगर फट गया तो? अरे तुमको खेलने देने के चक्कर में कौन ऑफिसर अपनी नौकरी गवाएगा? बहस कर रहे हो, कोई तुम्हारा रिश्तेदार है? अरे सर हमको नहीं खेलने देने के लिए, कम से कम कोई इज्जतदार बहाना तो खोजिए ना आप लोग। जाके डॉक्टर से बात करो। हम डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेके आ गए तो? स्पोर्ट्स डॉक्टर होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, फेडरेशन से अप्रूव्ड होना चाहिए, ये सब हो गया तो गजेट अफसर का सिग्नेचर होना चाहिए। हम करवा लेंगे, लिख लो। अरे सुनो ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात, भगवान दास जी का मूड होना चाहिए कि तुम्हारा सर्टिफिकेट पढ़ना चाहते हैं कि नहीं।
खेलना चाहते हो? जी कुछ सब घटक जाओ, अमृत है घटक जाओ। जीवन दान दे देंगे। हम तो चाहते ही हैं कि बेदाग डिटर्जेंट हमारी व्यायामशाला का सबसे मेन स्पॉन्सर हो। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो करवाते हैं हम, उसके कप का नाम बेदाग डिटर्जेंट कप हो। 11 कैटेगरी में कराते हैं हम, और हमारे यहाँ से जो जाता है यूपी प्रेजेंट वही करता है। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कि नहीं? ये तो हमारी भतीजी है, ये कहां से आई आपके पास? पाना चाहते हैं? देखो पाल, ये सुना है ना, हमको अल्टीमेटम दे दिया यार। क्या बोली है? उसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ये बेदाग डिटर्जेंट वाला है ना, वही आ रहा है। इस साल गुरु अगर नहीं खेले ना तो सब कंडम हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे? अरे तुम भगवान जी को नहीं जानते ना, वो आदमी अपने हाथ से कुछ नहीं करता, लेकिन जिसके पीछे पड़ जाता है उसको कुछ करने भी नहीं देता। देखने में ऐसे लहुआ पौवा जैसा है, अंदर से बिल्कुल अलग है, घिनौना है एकदम। उसके जैसा क्रूर आदमी हम देखे नहीं है। अपने ही बड़े भाई की जिंदगी अपने घर में झंड करके रख दिया। सुनना के फादर की? हाँ। क्या बोल रहे? आइए आइए, ये हमारे बड़े भैया गोपाल। भगवान जी के सामने उनकी बोली नहीं निकलती, और वैसे उम्र में 12 साल बड़े हैं। भगवान जी उसके लिए वही सब रिश्ता लेके आते हैं जिसमें उनका अपना फायदा हो। वो कैसे कैसे करके एक एक रिश्ता टरकाती रहती है, वो जो महसूस करती है किसी से कह नहीं पाती, और हमसे जब मिलती है तो मरकई गाय के जैसे हमारे ऊपर हाथ लग चलता उसका। उसका चिट्ठी अगर हम तुमको पढ़ा देना तो रो दोगे। 2 साल से सब चिट्ठी उसका इकट्ठा करके रखे हैं। याद है जब हम 3 ईंटा तोड़े थे, उसका एक चिट्ठी आया, हम पढ़े हमारा दिमाग खराब हो गया। 3 ईंटा था रखे, एक का नाम रखे भगवान, एक का दास, एक का मिश्रा, मार दिए चाड़ के टूट गया। लो आ गया बरा, चलो खत्म करो दूर। सुने ना बेटा, वो लोग आ गए। अरे हम समझ रहे हैं कि तुम काहे गुस्सा हो। बेटा पापा भी क्या करें, तुम्हें भी तो सब लड़के इसीलिए मना कर देते हैं ना। अपाहिज कौन कह रहा है तुमको? हमारा रिश्ता मांगने आते ना तो हम भी गाड़ी देख के हाँ कर देते। लड़कियों की लड़का कहाँ फर्क पड़ता है? अबे पंडित, तुम आग में घी मत डालो, समझे? कोई मर गया का? जब देखो काला पहन के आ जाती। जो लड़की बदनाम, उससे कोई शादी नहीं करता। आओ, तुम्हारी भाभी का नाम खराब करते। अबे सोच लो गुरु, बहुत मारेगी, समझ रहे हो तुम, बहुत मारेगी। आओ तुम आओ। अबे अबे क्या कर रहे हो तुम? डरते हैं? चुप रहो, पहले से टूटा है और ठीक से तोड़ देते हैं, ठीक से तोड़ देते हैं।
भागो भाग। हेलो दरोगा जी को फोन दीजिए, हम भगवान दास बोल रहे हैं। कौन भगवान दास? भगवान दास बक्सर, जिससे तुम्हारा सामना नहीं हुआ इसलिए भी जिंदा हो। तुम्हारे अंतराशय में प्रविष्ट होकर डमरू वादन करेंगे, फोन दो दरोगा जी को। ये कुछ नहीं किया था, गाड़ी का लाइट हम फोड़े थे। कहे फोड़े थे? कहे कि हम सुनैना से अनाप शनाप प्यार करते हैं, लाइट आधा पहले से ही फूटा था। डॉक्टर साहब, एगो बीमार भेजे हैं आपके अस्पताल, इलाज कर दीजिएगा। तुम हमको बिल्कुल समझ में नहीं आते, भगवान जी से लड़ते हो और उनकी लड़की से प्यार करते हो। लड़की नहीं, भतीजी है। भगवान जी को बच्चा नहीं हो सकता, कहे कि उनके बीड़ी में तमाकू नहीं है। भगवान जी के मेहमान की गाड़ी तोड़ते हो, पब्लिकली बेइज्जत करते हो भगवान जी को, प्यार करते हो उनकी भतीजी से, करनी है बॉक्सिंग। हो नहीं सकता क्या? तुम उस लड़की से सच में प्यार करते हो या भगवान जी को नीचा दिखाने के लिए ये सब ढोंग रचे? हमारा प्यार इतना पवित्र है ना कि अगर हम किसी को दिल से छू दें तो उसका सब बीमारी दूर हो जाए। तो भैया डॉक्टर बनना था, काहे भगवान जी के चक्कर में पड़ गए? जिन दो लौंडों को तुमने पीटा है जेल में, वो सब सालों से नेताओं का काम करते आए। नेताओं का काम करते आए तो उनके हाथ से मार खाए? प्रधान होने का मतलब ये नहीं कि सलमान खान हो जाओ, घमंड कम करो। मुक्केबाजी है, तुम्हारा सब दरवाजा खोलेगी, नया रास्ता बनाएगी। जेल में रह के मुक्केबाजी पे ध्यान दो, इधर उधर भटको मत। सूखी रोटी मुंह में ठूसे, पेट पे मुक्का मार दिए, हमारा बटुआ है हमारा बटुआ, हमसे चोरी उल्टा हमें उधार दिए। सर पे पत्थर बांध के होंगे मुंह फेंके पानी में, हमारे ही किरदार को छीने हमारी ही कहानी में। अरे जीते न जीते लड़के रहेंगे, अब न सुनेंगे कह के रहेंगे, काहे का गुणगान तुम्हारी ऐसी तैसी। अरे बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, कहीं आएंगे सीना दान तुम्हारी ऐसी तैसी। अरे बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। नमस्ते चौबे जी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। आपसे बात करना है। किस सिलसिले में? हम बॉक्सर हैं। अपॉइंटमेंट लेके आए हो? जी। तो मुद्दे पे आओ ना यार, हमको बॉक्सिंग करना है। हाँ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाके मिलो। हम उनके एक नंबर के मुक्काबाज हैं, लेकिन दो साल से वो हमारा सिलेक्शन ही नहीं कर रहे हैं, उनको अब क्लब में भी नहीं घुसने देते। अरे तो कुछ किए होगे तभी ना यार। नहीं चौबे जी, हम कुछ नहीं किए हैं, उनका बस घर का काम करने से मना कर दिया। तो वो अकेले थोड़ी ना सिलेक्शन करते। ऐसा कौन बोल दिया आपको चौबे जी? उनकी मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं है, और अगर हमारा सिलेक्शन हो भी गया ना तो कल को हमको खेलने ही नहीं दिया जाएगा। कोई उनका बात नहीं टालता है, दबंग है वो। और बाहुबली भी हैं इलाके के, जब मन होता है किसी को बीच चौराहे पर खड़ा करके पिटवा देते हैं भारत माता की जय बोल के। चौबे जी, हम बचपन से सिर्फ मुक्काबाजी किए, हमको इसके अलावा कुछ आता नहीं है, और हमारा उम्र जा रहा है, अगर अब नहीं खेले तो हम खेल भी नहीं पाएंगे, हमको नौकरी भी नहीं मिलेगी कभी। हम सब इसमें लिख दिए हैं। कहाँ रहते हो? कुदेसिया फाटक। बनारस में कोई रिश्तेदार है? हाँ, मौसी रहती हैं हमारे चोलापुर में। बनारस में सिलेक्शन है कल, मौसी का दस्तखत करो और फॉर्म लेके चले जाओ। बरेली या केला जिला थोड़े ही ना उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे हम खेल सकते हैं वहाँ से। हाँ।
बंदूक की नली सामने रखे बोले नच के दिखा रे बोले नच के दिखा बोले नच के दिखा काली स्याही मुंह पर बोते बोले सज के दिखा रे बोले सज के दिखा बोले सज के दिखा इधर भीतर अब न घुटेंगे अब न सुनेंगे कह के रहेंगे वापस न अभिमान तुम्हारी ऐसी तैसी बहुत हुआ सम्मान तुम्हारे सर ड्यूटी तो आपके अंदर आप बाहर बैठे अरे सब साले भांजने आते हैं तो समझ में नहीं आता कि प्रतियोगिता होती कहाँ है एक भी खिलाड़ी नहीं अरे साले सरकारी नौकरी के चक्कर में भांजने आते इन लोग को तो ना वो रजाई गद्दा का जो रूई है ना वही धुनने में लगा देना चाहिए इसी के लायक साले बॉक्सर बने एक चाय देना साला मजा आ गया बे क्या मैच चल रहा अंदर पहली बार ऐसा मुक्काबाज देखा है यूपी वाले हाँ समा बांध दिया साला अरे चीनी थोड़ा कम रखो ना यार पता है पब्लिक ना मुंह बाएं देख रहा था उसको क्या तुम दे रहे हो यार स्पेशल बनाओ ना एकदम ना बिल्कुल ऐसा खेल था तप 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 ऐसा पता नहीं कहाँ से अचानक प्रकट हुआ हाँ बे एनर्जी देखो लेवल देखो उसका गजब पहले कभी देखा भी नहीं उसको अचानक से बढ़िया खोलाओ कसके अरे सांप की जीभ से फुंकारो तुम बोले फूटे मिसरी जैसे गलत आदमी से भिड़ लियो अभी सिर्फ दो बात माइक टाइसन मोहम्मद अली ब्रूस ली को अपने दिमाग से निकालकर फेंक दो और ये पांच ईटा तोड़ना गाड़ी तोड़ना आज से बंद हाथ संभाल कर रखो दूसरी बात स्टेट लेवल पर ऐसे हाथ भांजने वाले तुम्हें नहीं मिलेंगे वहां कड़ा मुकाबला होगा तैयारी के लिए समय नहीं है अभी घर जाओ अधूरा काम जितना भी हो उसे निपटा कर दो दिन में मेरे पास वापस आओ क्या देख रहे हो देख रहा हूँ कि ऐसा क्या है इस मंजीरे में कि इसके चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी है हाथ तोड़वा लिए जेल की हवा भी खाया है इसमें ना तो कुछ खा सकते हैं ना किसी को चाय तक पिला सकते और हल्का भी साला इतना है कि कील भी ना ठुकवाए किस काम का है ये ढक्कन उठाइए मल्टीपर्पज है उसको मुंह पे लगा लें तो बकवास बंद पीछे लगा लें तो हगवास बंद और इस्तेमाल के बाद धो लेना चाहिए नहीं तो बवासीर हो जाएगा अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है लंठाई तो नहीं कर रहा है पढ़ाई पे ध्यान दिए होते अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे नहीं समझता हमको क्या करे दिमाग कम है क्या करे आप ही से मिला है दिमाग हमको आप ही का डीएनए है हमारे अंदर आप में था दिमाग कपड़ा आप ही से बोल रहे हैं आप में था दिमाग अम्मा में है लगता है आपको जब आप दोनों लोगों में दिमाग नहीं है आप दोनों लोग शून्य हैं, तो हम कहां से आरे भट्ट हो जाएंगे चुपचाप सुन लो और अपना काम करो अरे सुन ही तो रहे अम्मा देखिए ना कैसा बुरा बुरा बोलते हैं कितनी बार बोल दिए किताब हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है नहीं समझता यही आता है हमको या तो मुक्काबाजी करें या गली का गुंडा हो जाए क्या चाहते आप बता दीजिए हमको 15 साल की उम्र में तेंदुलकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने लग गया था अगर उसके पिताजी इनके जैसे कॉपी किताब का बोझा लेके बैठ गए होते ना तो आज इस देश के आधा बिजनेसमैन अपना सामान नहीं बेच पाते टीवी पे अरे डेस्टिनी भी कोई चीज होता है अरे अपना एक अचीवमेंट बता दीजिए ना हमको कौन सा तो काम किया है आप आज तक हम कम से कम एक कप तो ले आए जिससे आपकी लेट ठोक पा रहे हैं चलो अंदर चलो हां अम्मा जा रहे देखो देखो हाथ में चोट लगा थे वही तो कर रहे थे ना यही तो हमको ठोकते रहते हैं कोसते रहते हैं ये पैसा है हमारा पैसन पैसन समझता आपको बाबूजी के पैसा से फैशन करेंगे अरे फैशन करना है तो अपने पैसों से करो जाकर बढ़िया है ये फैशन है हमारा फैशन
तुम ना पापा की बातों का ध्यान मत दो, वो गुस्साते रहते हैं। छोड़ो तुम सबको, उनको ना हम खुश कर देंगे। इस बार एग्जाम में इतना पढ़ेंगे, इतने अच्छे नंबर लाएंगे ना, वो खुश हो जाएंगे। तुम बस खेलो। तुमको हमारा पापा होना चाहिए था। एक बात बताए, पापा पता है क्यों नाराज है? किसी ने ना तुम्हें देख लिया था वो बटलर प्लाजा में लड़के के साथ चाट खाते हुए, और पापा को बता दिया। तुमने ये बात का जिक्र ना घर पे किया ना किसी को बताया। हाँ, जैसे उनको बता देते तो बड़ा खुश हो जाते ना। उनको जब पता चलेगा ना कि वो गूंगी है, दूसरे जात की है, तो हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। भाभी गूंगी है? हाँ, बचपन से ही गूंगी है। आदमी के गले में जो बक्सा होता ना गुड्डी, वो लिरिंग्स, भगवान उसका बक्सा खाली करके भेजे हैं। इसको सुनाई सब देता है लेकिन बक्सा खाली है इसलिए बोल नहीं पाती है। लेकिन सुंदर इतनी है ना, देखोगी तो घबरा जाओगी। तो तुम मिलाते काहे नहीं हो? प्रेम खुद ही नहीं मिल पाते हैं। बोलती है कि शादी करो तब मिलो। तुम ना ढंग से प्यार नहीं करते, प्यार दिखाना पड़ता है। हाँ, तो उसका आँख तो पहले ही सिनेमा हॉल के पर्दे जैसा है, बड़ा बड़ा। अरे तो उसका आँख है ना सिनेमा हॉल जैसा। कभी कुछ दिया हो भाभी को? क्या, कोई गिफ्ट, फूल, गुलदस्ता, कुछ भी? पागल हो क्या, हमारे पास पैसा कहाँ रहता है गिफ्ट, फूल, गुलदस्ता देने के लिए? तुम ना लद्दड़े हो। चलो जबरदस्त लग रही हो यार। अब सुनो ना, एक सेल्फी ले लें। ऐसा करो ना, करना पड़ता करो ना। पूरा परिवार वैष्णो देवी गया, कोई नहीं आने वाला। हम देखते हैं, हम रुको। सुनो ना, उसके दादी के सपने में वैष्णो देवी आई थी, इसलिए सब लोग वैष्णो देवी। ट्रेन तो सुबह की थी, ट्रेन तो छूट नहीं सकती। अबे गोपाल, तुम तो ट्रेन में थे ना बे? अबे तुम अंदर हो क्या? अबे हम भाभी के साथ अंदर हैं घर में। दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई ना, तो मुरादाबाद उतर के वापस हो लिए। तो हम लोग पीछे के दरवाजे से निकल जाएं? अबे तुम निकलो तो दरवाजा कौन खोलेगा? तुम रुको, उनको बाहर निकालो। हाँ तो रुको एक मिनट। है ना, अरे बैठिए। लिस्ट देखे हम आपका जी। कोई श्रवण सिंह नाम के लौंडे को चूज किया आपने। संजय कुमार नाम है तुम्हारा जी? संजय कुमार क्या? बस संजय कुमार। अरे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कायस्थ हो, का हो? वही चौथी वाली जात जो आपसे बोली नहीं जाती, हरिजन। वेटर, दूसरे जग में पानी लाइए इनके लिए। श्रवण बहुत अच्छा बॉक्सर है, आप ही के बरेली का है, आपका बड़ा सम्मान करता है। हमारा कितना सम्मान करता है वो हमको पता है, और तुम भी कितना सम्मान करते हो ये भी पता है हमें। हम खेलना छोड़ चुके हैं संजय कुमार, मगर हमारे वरिष्ठ भाग अब भी जिंदा भाग है, उसमें सेंध नहीं लगा पाओगे तुम। यदि कुछ कर सकते हो तो सिर्फ चाट सकते हो।
खेल की दुनिया में तुम्हारी औकात बस जीभ जितनी है, और जीभ जब चाट न रही हो तो उसे मुंह में ही रहना चाहिए। श्रवण सिंह हमारे बरेली का टीम का सबसे बढ़िया मुक्केबाज है, हमारा कोई लौंडा खड़ा नहीं हो सकता उसके साथ। उसके बावजूद नेशनल स्टेट तो क्या, वो डिस्ट्रिक्ट पे नहीं खेलेगा, ये वादा किया था हमने उससे, तुम ये वादा तोड़ रहे हो। हाँ, उसने हमें बताया था उसने आपको नॉकआउट किया था आप ही के घर में। नहीं किया था उसने, तो यही बताया था कि आप गेहूं पिसवाते थे उससे, प्यास छिलवाते थे। कौन गुरु अपने चेलों से ये सब नहीं कराता? हम नहीं कराते, हमारे खिलाड़ी हैं चेले नहीं। और यही तो अभी तारीफ कर रहे थे कि बरेली का सबसे बढ़िया मुक्काबाज है वो, तो कहां इतने बढ़िया मुक्काबाज का ये दो साल बर्बाद किए, जवाब दीजिए। डिसिप्लिन नाम का भी कोई चीज होता है ना? यही डिसिप्लिन, गेहूं पिसवाना, घर का काम करवाना, टॉयलेट साफ करवाना, यही डिसिप्लिन। बेटा जितनी ताकत है भर दो उस लड़ते, मिलते हैं बॉक्सिंग रिंग में। अगर एक बात याद रखना, जब बॉक्सर को चोट लगती है ना तो खून कोच का ही बहता है। ये यही है, अब जाएं और कसम खाते हैं इसी साल तुमको ले जाएंगे। हम चले जाएंगे, तुम जाओ। पता है हम तुमको इतना प्यार काहे करते हैं, तुम वो पहले आदमी हो जो हमको वो सब बात कहा जो कोई और नहीं कहा। हम कितना पढ़ना चाहते थे, कॉलेज के बाद कोई पढ़ने नहीं दिया, हम बोल नहीं सकते उसके लिए सारी जिंदगी हमको सब नकारते आए, और तुम्हारे उस एक वादे पे आज तक टिके हुए हैं। जब तुम कहे थे कि तुम्हारा हर सपना पूरा करने के लिए हम मुक्काबाजी तक छोड़ देंगे, हम तब से इंतजार कर रहे हैं। बस यही साल है हमारे पास, इससे ज्यादा लड़ नहीं पाएंगे, हमको और पढ़ना है, दुनिया देखना है, चाहे तुम्हारे साथ पैदल चल के ही क्यों न देखें। हम बनारस मिलने आएंगे तुम्हें, अपना ख्याल रखना। सुनिए, कल बगल वालों के यहाँ से मीट और बिरयानी आया था, क्या करना है उसका? हाँ, पैक कर दो, ले जाएंगे। फेडरेशन के यहाँ से जो खाना आता है उसे तो चेस के खिलाड़ियों की भी खुराक पूरी ना हो। ये क्या? तुम्हारी सौतन मोज के लेगी। अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, दांत चार घंटा में बोल जाओगे। पर घाट यही है, पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोड़ना सीखो। ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, किसका भी बच्चा तुम्हारा फैन है, घर की कन्या पटाने वाला भंडा तो गंगा जी को चढ़ा दिया। तुम लोगों में से कोई स्टेट जीतेगा तब मुंह छुड़ाएगा। बॉक्सिंग में ताकत की नहीं स्टैमिना की जरूरत होती है, 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, फुर्ती और स्टैमिना बॉक्सर के लिए जरूरी है। चलो हम लोग अब गंगा पार करेंगे, मैं नाऊंगा तुम्हें। जिनके चाटेगा किसका ज्ञान तू बांटेगा, किसको सलाम ठोकेगा, किसको मुक्के से रोकेगा, तू लड़ झटक के उठा पटक के फायदा उठा ले मौकेगा, तू लड़ झटक के उठा पटक के फायदा उठा ले मौकेगा, तू बढ़ते जा कुछ नहीं होगा, मान ले तू करता है जो करेगा।
रात कहाँ से आ रही? गर्दा छुड़ा दिए, तुम तो हार गए। ऐसा जोर का मुक्का मारे हैं, देखा दर चार रात तक सोने नहीं देगा इनको। दिमाग से भैंसा हो तुम, भैंसा ही रहो। तुमसे ज्यादा पंच उसने लैंड किया तो पॉइंट के अनुसार वो जीता, तुम नहीं। हाँ, तो क्या हुआ? ठाकुर हैं, मारना जानते हैं तो मार सहना भी जानते हैं। देखिए जो कैसा चांस हमको भी मिला था, लेकिन नैतिक शिक्षा के चिद्यापे में हो गया। पहले राइट बुक आएगा, बढ़िया रात लेफ्ट निकलो, ओके को निकलने दो, फिर लेफ्ट बुक आएगा, उसके नीचे से निकलो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इस तरह तुमने अपनी अम्मा को बुनाई करते हुए देखा होगा। ट्यूब कार्ड कट करे से बताइए कि इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन पैसा तो भेजती है लेकिन उससे इक्विपमेंट आता नहीं। हाँ, जो क्लब के अधिकारी हैं उसके मकान का एक तल्ला बढ़ जाता है, उसकी बीवी का तकलीफ। तुम्हारे अंदर की चमड़ाई नहीं जाएगी ना, तुम नहीं जी। हम गलत क्या कर रहे हैं? मुक्का भाजने से मुक्के में ताकत नहीं आती, वो सिनेमा में सुनने में अच्छा लगता है। 2.5 किलो का हार, मुक्के की ताकत 38 किलो, ताकत पैर कमर, उसके बाद कंधे से मुक्का निकालो। बंदर सांप बिल्ली ये तीन जानवर को अपने दिमाग में घुसे, बंदर की तरह बचो, कोबरा की तरह टसो। I'm looking for this place called Vatica. Can you show me? यार हमको तुम दोनों लोग समझ नहीं आ रहे। भैया नो अंग्रेजी। आई नो साइन लैंग्वेज। यस आई नो। एंड सो यू कैन हियर, कैन यू टेक मी टू द प्लेस कॉल्ड वाटिका? वहां क्या देखे? कोई आने वाला है? कोई नहीं, 2 घंटा बिताया ना उसके साथ। बोले थे गोरे को छोड़ के 10 मिनट में आ जाएगी। जाओ निकल यहां से। अरे 1 घंटा पहले आना, देखो तुम्हारा कैसे तेल निकालते हैं। ये देश लौंडियाबाजी के चक्कर में पीछे रह गया। सुने ना, तुम बुली से छोड़ के आ जाओगे, यहां के पसर गए, वहां हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम यहां इसके साथ बैठ के दांत चीर रही हो क्या? पता है हमको गोरा है, 2 सेकंड नहीं लगा तुमको फिसलने में। एक्सक्यूज मी, क्या एक्सक्यूज? आ जा। भाई साहब, कल जो फॉरनर को हम मारे थे यहाँ पे, वो कहाँ रहता पता है? अंग्रेज भाई कुछ नहीं, गलती हो गई भाई। I forgive him.
यही हमारा टूर्नामेंट है, मंत्री के साले की शादी है तो अब चड्डी उतारो। देख क्या रहे, चड्डी उतारो। अभी काहे उतरवा दिए, रिंग में उतारने देते हमें, इसका झंडा फहराते हम। 69. वजन बराबर। गलत कर रहा। बेदाग डिटर्जेंट द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। बॉक्सिंग के इस रोमांचक मैच में तीन तीन मैच का राउंड होता है और हर राउंड तीन तीन मिनट का होता है और हर राउंड के बाद जो है 45 सेकंड का क्या बात है, कमर कमर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आ गए हैं, आप सब खड़े हो जाएं। हमारा प्रदेश ध्यानचंद का प्रदेश, मोहम्मद कैफ का प्रदेश, पहलवानों और शूटर का प्रदेश, मोहम्मद अली का प्रदेश। सॉरी, माफी मांगना चाहता हूं, मोहम्मद अली केरला से थे। नेताजी के आने में विलंब हो गया था, इसीलिए जो पहला राउंड था उसे निरस्त किया जाता है और बेदाग डिटर्जेंट प्रायोजित उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय मुक्केबाजी की प्रतियोगिता यहां शुरू हो चुकी है। इसको तो अंधा भी देखकर बता दे कि इसका वजन कैटेगरी से बाहर है। तुम्हारा लौंडा जीत भी गया तो तुम्हारी जात तो नहीं बदलने वाली है। फेडरेशन ने खास करके भेजा है हमें, सब मैच हमें शेड्यूल किए हैं, बहुत सारे चक्कर में तोड़ने पड़ेंगे हमें। सर बड़ी कमीनाबंदी की है ना, जितने भी हार्ड वर्कर थे वो सभी शर्मन के साथ बिठा दिए। हम तो अंदर किए थे पूरा खर्चा, मंत्री जी ने शादी रखवा दी, पूरा इंतजाम फिर से करना पड़ा। अरे हमारी जेब से लगा है पैसा और आप लोग हिसाब मांग रहे हैं। बॉक्सिंग पे पिक्चर बनती है तो 40 करोड़ कमाती है, टूर्नामेंट रखो तो 40 जन देखने नहीं आते। पूरे जोर से पहना रहे हैं हमारे जो नीले ड्रेस में है उनके ऊपर पूरी जोर आजमाइश हो रही है, पूरा पूरा प्रहार। ये मुक्का थोड़ा हमारे बरेली के बल पे भी भारी पड़ता नजर आया है लेकिन पड़ नहीं, और आज ऐसा लग रहा है कि अपने बरेली के बल को पूरे जोर से पहना रहे हैं, थोड़ा बचते हुए भी और थोड़ा टक्कर मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। अकाउंट के चक्कर में क्यों पड़े, पॉइंट निकालो। सर मार गिरा सकती है, जोर से नहीं हरा पाओगे, से थकाओ थका ठीक है और बोराओ मत थोड़ा। श्रवण कुमार सिंह ये हमेशा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बीच बीच में वापसी करते हुए हमारे जो बरेली के लाल हैं, लेकिन श्रवण कुमार सिंह बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी, थोड़ा सा एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे श्रवण, और बहुत सही, बहुत ज्यादा श्रवण कुमार सिंह। हमारे यहाँ ही बैल को देते हैं, बहुत सारी गैया को निपटाना होता है ना, हमें श्रवण का नॉकआउट चाहिए। ऐसा थुरना सले को कि इसके बाद कभी मुक्केबाजी का सोचे भी ना, तब देखना हम तुम्हें कैसे अगला विजेंद्र सिंह बनाते हैं। अब क्या जरूरत है ये सब दिखाने की, ये सब हम जानते हैं। आपको जगाने के लिए, जताने के लिए भगवान जी बलवीर को दे रहे हैं। रामदास ने इसमें इतनी दवा पेल रखी, मुझे नहीं लगता श्रवण जीत पाए। हमारा वेस्लिन कहाँ गया यार, हमारा वेस्लिन ने कोई चुरा लिया? मेरा तो किसी ने दो दो चड्डी चोरी कर लिया। देखो डोज का एक लिमिट होता है और जैसा तुम हमको बता रहे हो तो पक्का वो लोग उस मुक्काबाज को डबल ट्रिपल डोज दे रहे हैं, उसका सारा दवा उसके फेफड़े पे आएगा, उसका सांस जोर जोर से चढ़ेगा, उसका तुम फायदा उठा सकते हो। पहला राउंड उसको मारने दो, उसको लगना चाहिए कि तुम्हें हराना आसान है। जब वो जोर लगाएगा और उसकी सांस धोखनी की तरफ खुलने लगी तब उसको नचाना और मारना। और श्रवण आप बेसिकली देख सकते हैं कि यहाँ बलवीर को भगा रहे हैं, उनको थकाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी सारी एनर्जी खींच ले पहले। ये स्ट्रैटेजी है बॉक्सिंग की और दोनों मुक्केबाज काफी काफी उत्साह से, काफी जोर से और काफी एक्सपीरियंस है यहाँ पे।
पवन डिफेंस में है इस समय अपने आप को बचाते हुए, बलवीर थोड़े से अटैकिंग है, लेकिन एक बार फिर से श्रवण वही स्ट्रैटेजी अपनाते हुए थोड़ा सा भगाने की कोशिश कर रहे हैं और बलवीर के तुक्कों से लगातार बचने की भी कोशिश। पेट फूलेगा पानी से, तू रखो पानी इससे। अरे श्रवण जी, एक तो फोटो छाप दें आपका अखबार में। कुल 5 पंक्ति में व्याख्या देनी है पूरी प्रतियोगिता की, 3 तो भगवान जी घेर लेंगे। हमारा बस फोटो छाप दीजिए ना, ससुर जी को हम सबूत दे देंगे। क्या ये तो कबाड़ी के हमें मिल जाता है। लीजिए, दे दीजिए, लीजिए। कैमरा नहीं है आपके पास? हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटो है। फोटो ये देखिए। करने से पहले भी उससे पूछ लेते ना, तो आज हम ये सब नहीं सुना रहे होते। सब कुछ तो उसी की मर्जी का चलता है। खाते उसी की मर्जी से, पीते उसी की मर्जी से, सोते उसी की मर्जी से। अरे एक बार क्या हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते? अच्छा बताइए, कितने बच्चे हैं हमारे? एक ही तो बेटी है, और आपके पास भी ना एक ही मौका है ये साबित करने का कि आप ही उसके बाप हो।
मोरे राजा जो बजे तेरा बाजा तो सोना जैसे दुल्हन मिले। अरे मोरे राजा जो बजे तेरा बाजा तो सोना जैसे दुल्हन मिले। अरे मौसी निछावर तो करो। हर मौके करना मालिश का बहाना लड़की की मर्जी थी। हम क्या करते? लड़की आपकी है या किसी और की? लड़की की मर्जी कैसे हो सकती है? आज तक हमारे खानदान में किसी औरत की मर्जी चली है। तुम्हारी बात और है। अगर ये शादी हुई ना भाई साहब, जान से मार दोगे हमें। समझ क्यों नहीं रहे हम क्या कह रहे हैं? हम भगवान दास मिश्रा हैं, हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण की बेटी किसी राजपूत के घर जा रही है, वो भी ऐसा राजपूत जिसकी शुद्धि का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। आजकल बहुत छोटी जात के लोग अपने नाम के आगे सिंह लगा के अपने आप को राजपूत बुला लेते हैं। तुम भी तो लाए थे बेदाग डिटर्जेंट वाले को, अग्रवाल था वो। पता है कितना धनवान है वो। अगर धनवान होने से आदमी ब्राह्मण हो जाता है तो हम तो बहुत गरीब हैं। फिर तो ये शादी बिल्कुल ठीक हो रही है। कोई नहीं जाएगा शादी में। आप सब अंदर जाइए। जो नाक इतने साल में कोई नहीं काट पाया वो आज आपने काट दी। और ये हम भूलेंगे नहीं। तुम मर गए हो हमारे लिए। अरे भाई कन्ना के पिता कहाँ हैं? और आपके मुंह में क्या है दिखाइए। अरे लीजिए पंडित जी, कन्या के पिताजी भी आ गए, मिश्रा जी आ गए। आइए नमस्ते अंकल, बैठिए इधर से। ए जगह दो, बैठिए। चाय पियोगी बेटा? अरे उठा नहीं वो, आज काम का पहला दिन है। सोने दो ना पापा। भाभी आप रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ। घर में इंटरनेट चाहिए। हम लोग तो मोबाइल पे बगल वालों का इंटरनेट यूज कर लेते हैं। इंटरनेट है बजरंगी भाईजान और पासवर्ड है दबंग सुल्तान। को पता नहीं पति काम पे जाते समय पत्नी को क्या बोलता है।
बैठो। बैग आगे करो। बाहर निकलती हो ना तो थोड़ा ये डाल लिया करो। आप लोग काम क्या करते हैं? यही जो कर रहे हैं। लेकिन ये तो मजदूरी है ना, आप किस लिए आए? अभी तक तो पता नहीं, आते ही बोले साहब कि यहाँ सामान हटवाओ। हटवाओ बोला तो खुद क्यों कर रहे हो? पता नहीं था। ये सारा यार्ड है, जब इंजन वंजन खराब हो जाती है तो सुधारने के लिए यहाँ लाया जाता है। पुर्जा खराब हो जाए तो बस यूं ही फेंक देते हैं, ढूंढने पे मिलता ही नहीं। ये सब तुमको सुलझाना है जी। साफ सफाई करिए, पेंट वेंट करिए, मरम्मत कराइए, ऑर्गेनाइज कराइए। सर रोज शाम को हमको प्रैक्टिस पे जाना है। जी क्या कर लेंगे प्रैक्टिस करके? इंटरनेशनल पे जाके तो देश का मुंह काला कराएंगे, उससे अच्छा तो यहाँ हाथ काला कराइए, तनख्वाह मिलेगी। जोर से मार, ताकत लगा। प्रणाम सर। हाँ मैच का जीत गया, लाटसा बन गए क्या? अरे काम से आ रहा ना, कहाँ से खोजे आप? बरेली में ऐसा व्यायाम साला हमको पता नहीं था। श्रवण इन्हें पहचानते हो? इनको कौन नहीं जानता कोसाब, बरेली के जितना खिलाड़ी बिना खेले मर गए उनकी कब्र पे इन्हीं का तो नाम लिखा है। यही तो है हमारे जीवन की बाधा। बदतमीजी गई नहीं तुम्हारी। सच बोलना बदतमीजी होता है? जीवन से पाला नहीं पड़ा है तुम्हारा। आदमी करना कुछ चाहता है, करना उसको कुछ और पड़ता है। सिस्टम कैसे उसको तोड़ता है। 15 साल से इस गैराज में जिम चला रहा है निशुल्क, बाहर किसी को खबर ही नहीं। इसे देख के अपनी जवानी याद आ जाती। याद है ना जब हम लोग लड़ने के लिए जाते थे और कहते थे कि दुनिया बदल दे, घंटा ना उखाड़ पाए। जानते हम कौन जात के? हमको भी नहीं मालूम था, अब तक खुद हमारे बाबूजी हमको नहीं बताए, और बता के चार दीवारी के बीच खेल दिए। हमको बोले बेटा बहुत पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो कि तुमको कोटा से नौकरी मिल जाए। साला कोटा नाम से नफरत था हमको। हम कहानी पढ़े पेले का, कैसे फुटबॉल खेलकर वो आदमी अपना वजूद बनाए। हम भी तय कर लिए कि हम खेलेंगे फुटबॉल, लेकिन ये भूमियार का बेटा लोग हमको फुटबॉल खेलने नहीं दिया। एक दिन सबसे भिड़ गए, वो लोग भी हमको बहुत मारा तो हम भी बहुत मारे। हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज हमको कमरा में बंद किए और मारे दू पड़ा का। हमारे ही जात के थे हरिजन, हमको बोले बहुत गुस्सा आता है ना तो ये गेहूं का बोरा है इसी को मारा करो। तो मारते मारते हम बन गए मुक्केबाज, लेकिन कभी खेल नहीं पाए। उसके बाद जहां से भी गुजरते तो लोग बोलते देखो साला आ गया मुक्काबाज। अभी किसी ने इज्जत से हमको मुक्केबाज नहीं कहा। तो तुमको तय करना है कि तुमको मुक्काबाज बनना है कि मुक्केबाज। पूछ कर रही हो? तो आदमी थक जाता है तो सोता है ना। हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और हम सुबह से काम कर रहे हैं, भारी भारी सामान उठा के यहां से वहां रखे हैं। हमारा ट्रेनिंग भी नहीं हुआ आज ठीक से। कोच साहब भी बस गोल 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 दौड़ाए हैं, अभी बकबकाने में भी ताकत लग रहा है। तुम हमको वादा किए थे हमारी भाषा से। अरे भाषा तो उसकी होती है ना जो अच्छा है। ट्रैफिक पुलिस वाली भाषा हम कल से सीखेंगे। अरे देखो ये फोन तो तुम्हारा बोलता है, तुमको सुनाई देता है, तुम मिला के हो जाता है ना। अभी जबरदस्ती एक और काम करने के लिए हमको कभी मार रही हो कभी कोच रही हो। देखो सब लोग जग जाएंगे। गलती हो गया हमसे, बस सॉरी। चलो अब सो जाओ। चलो सो जाओ, क्या कर रही हो ऐसा कान? चलो सो जाओ, ऐसे कान बंद कर लोगी तो कैसे सुनाई देगा। चलो सो जाओ, आ जाओ। चलो सो जाओ, चलो सो जाओ। अरे क्या कर रही हो तुम? तब से बोल रहे हैं सो जाओ सो जाओ, बात ही नहीं समझ में आती तुम्हारे। क्या हो गया? कुछ नहीं, सो जाइए आप। बंद करके कान खड़ी रहो रात भर।
तकिया नहीं है। तुमको तकिया कौन बोल रहा है भाई? कौन सा टाइम है पढ़ने का तुम्हारा? हम तुम्हारे टाइम से नहीं चलेंगे। क्या हो गया सुनैना तुमको? हमारा काम का आज पहला दिन था, हमको खुद नहीं मालूम। ऐसा कान बंद करके क्या मिलेगा तुमको? ठीक है करो जिद तुम। तुम गांधी जी के दो बंदर तुम हो जाओ, एक बंदर हम बन जाते हैं। हमको देखना नहीं है। तुम सुनो मत, बोलो मत। लो हम आंख बंद कर लेते हैं, तुम कान बंद कर लो। अरे भाई साहब, एक महीना टाइम तो हर कोई देता है, सरकारी नौकरी में है भाई। हाँ तो परमानेंट हो जाएंगे। अरे तनख्वाह तो मिलने दीजिए, हम किसी का रखते वक्ते नहीं है। दो हफ्ता भी नहीं हो रहा है, चिंता मत करिए। ठीक है, नौकरी लगी नहीं, लेनदारों की ना कुत्ता हो जाती। श्रवण जी। जी। आप ऑफिस में पर्सनल काम कर रहे हैं, क्या करें? यहाँ मारने के लिए मक्खी भी तो नहीं है। वो श्रवण, वो यादव जी का चपरासी छुट्टी पर है, तुमको बुला रहे हैं। अरे तो मतलब आज से हम उनके चपरासी हैं? अरे सुनिए सर, वो पिल्ले ही सब बोले कि आपका चपरासी। पहले बाहर जाइए और तमीज से मैं एक कमीन बोल के। मे आई कम इन? यू मे कम इन। मे आई सीट? यू मे नॉट। मस्टर पे चीफ इंजीनियर साहब का साइन करवाएगी, चिट्ठी स्पीड पोस्ट में डाल। मस्टर मतलब? अरे राजन जी, ये चीफ इंजीनियर कहाँ बैठते हैं? यहाँ तो बहुत चीफ इंजीनियर है। उनको नाम तो नहीं बताया किसी का, बोले कि मस्टर साइन लेके आओ यहाँ। बोले ये काम तुम्हें कहाँ है पकड़ा दिए? ये तो ईस्ट ब्लॉक में बैठते हैं, श्रीनिवासन नाम है इनका। अरे चीफ इंजीनियर श्रीनिवासन कहाँ बैठते हैं? मे आई कम इन? अरे भाई श्रीनिवासन जी तो वहाँ है नहीं। साहब उधर बैठे हैं। तुमको वहाँ खाली भेज दिए। आपने पूछा बैठते कहाँ है? हम चपरासी नजर आते हैं क्या? चपरासी भाई, चपरासी इंसान नहीं होता क्या? What? साइन चाहिए था आपका सर। बताएं सर, मीटिंग चल रहा है, वेट करो बाहर। अरे कहाँ हो तुम? हाथ में घड़ी पहने हो कि नहीं? कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा? ऑफिस के बाहर खड़ा करके रखे, हमारा 10 सेकंड का काम है, अंदर जाते ही अंग्रेजी बुकने लगते हैं। अरे तो अंदर जाके बोलो कि खिलाड़ी हो तुम, जा अंदर। मे आई? व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? खिलाड़ी हैं बॉक्सिंग। मीटिंग चल रही है, समझ में नहीं आता आप लोगों को? सर स्पोर्ट्स कोटा से हैं, ट्रेनिंग के लिए जाना है, देर हो रहा है। Hey, you get out, man. दूनाव में पैर रखा है, अद्भुत मौत मरेगा ये। श्रवण नौकरी तुम्हारी अठाक पर है, नेशनल खेल कर मेडल जीतोगे तो नौकरी परमानेंट होगी। इसलिए नौकरी से ज्यादा जरूरी है बॉक्सिंग। प्रैक्टिस के लिए रोज टाइम निकालो, जरूरी है तुम्हारे लिए। सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली है, ना दिन भर खाना खाई है। अरे ना काम में हाथ बटाती है, ना गोड़ दबाती है, सारा दिन बस उस कंप्यूटर में लगी रहती है। तुम चुप रहो ना, हम क्या बात कर रहे हैं, तुम क्या बात कर रही हो? अरे जो है वही तो बता रहे हैं। अरे तो बड़ी अफसर बनेगी ना वो, जो ये नहीं कर पाया वो करेगी। हम कल रात की बात कर रहे हैं। और हम रोज की बात कर रहे हैं। क्या रोज की बात कर रहे हैं? हम यहाँ झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम अपना ही डंडा खड़ा कर रही हो। तुमने कभी हमारी माँ के गोड़ दबाया है? ये अच्छा है, सारा झगड़ा जो है हमारे सिर डाल दिया करो बस। Thank you.
खिलाड़ी लोगों को तो टीम में पहुंचकर मेडल मिलने के बाद ही शादी करनी चाहिए, और खास तौर पर पहलवानों और मुक्केबाजों को। आधी ताकत तो तुम्हारी वीर के साथ ही निकल जाती होगी। अरे वीर से ही तो वीरता है, खुद सोचो, अगर थोड़ा रुक कर बाद में शादी की होती तो पत्नी भी सुंदर मिलती, ज्यादा दहेज भी मिलता, न्यूज पर आते वो अलग। खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी की फोटो के पीछे से दोपहरी में निकलती एक लंबी भूरी सी छिपकली, हाँ छिपकली, हाय सर सराती छिपकली प्राण घाती। तुम नहीं खा रही हो, ये तो पहले ही खा ली थी, रुकती कहाँ है किसी की। छिपकली हाय कपटी, हाय कमीनी जहर वाली छिपकली। रेंग कर खामोश से इर्द गिर्द फोटो के वस्तये लगाती हाय, वस्तये लगाती हाय। और जैसे ही कोई, और जैसे ही कोई किट पतंगा उड़कर पास से गुजरता है, हर नबोच लेती है, हम खनोच लेती है, मांस दबा जाती है, निगल जाती है। हाँ रेंगते वापस फोटो के पीछे लौट जाती है। हमारे बाबूजी भूमियार के यहाँ नौकर हुआ करते थे। वक्त कितना तेजी से बदल रहा है ने? छिपकली हाँ छिपकली सर सुराती छिपकली प्राण घाती लप लपाती दूर वाली। पिल्ले साहब, ये आपको भी पता है और हमें भी कि ये नौकरी हमारी काहे लिए लगी है। अगर हमारी मुक्काबाजी छूटी तो ये नौकरी भी छूट जाएगी। ये स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी पाना इतना आसान नहीं होता, बहुत खून पसीना चलाना पड़ता है सवेरे शाम। हमें बस थोड़ा सा इज्जत चाहिए, खेलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमको बस इतना फेवर कर दीजिए कि हम जब सवेरे यहाँ आएँ तो हमें दिन भर का काम एक बार में बता दीजिए। काम हमको एक बार पता चल जाएगा तो हम अपना काम खत्म। ले अच्छा भैया, हमें पता है हम शादी के बाद से थोड़े स्वार्थी हो गए हैं। आज अम्मा बोली कि बच्चा कर लो जल्दी से, और हमें एहसास हुआ कि बच्चा का तो हम सोच भी नहीं सकते, काहे कि कितना करना है हमको अभी। तब एहसास हुआ शादी हमको करनी थी लेकिन तुम तैयार नहीं थे। तुम्हारा खुद का भी अपना सपना है, तुम्हारा नेशनल आने वाला है, नौकरी पक्की होनी है, और हम अपना रोना लेके बैठ गए हैं। तुम अभी सब छोड़ के बॉक्सिंग पे ध्यान दो, तब तक हम ऐसे ही चिट्ठी लिख के कहेंगे जो कहना है। जब चैंपियन हो जाओ तब हम ढूंढ लेंगे तरीका एक दूसरे से बात करने का। मे आई कम इन? यू मे कम इन। गाड़ी चलानी आती है जी? हमारी गाड़ी पहचानते हो? ये चाबी है, ये हमारा एटीएम। हमारे घर चले जाना, हमारी मिसेज को एटीएम दे देना। उनका थोड़ा मार्केटिंग का मूड है आज, मार्केटिंग करा के उन्हें घर छोड़ देना, गाड़ी ले आना, साथ में एटीएम भी ले आना, ठीक है? हेलो पकड़ो। यादव जी, हम यहाँ आपका पर्सनल ड्यूटी करने नहीं आते हैं। जब तक आपका चपरासी छुट्टी पे है हम उसका काम कर देंगे, कैसे कि वो ऑफिशियल है, लेकिन हम न तो आपके ड्राइवर हैं न नौकर हैं।
ना दोस्त है ना रिश्तेदार। मे आई लीव नाउ? नाइट ड्यूटी में डाला है, हो गया तुम्हारा। मे आई कम इन? यू मे नॉट। हम नाइट शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। क्या है, अंधेरे में डर लगता है? नहीं, हमको नेशनल का तैयारी करना है। तो वही करो ना, नौकरी काहे करते हो? आपको सब पता है ना सर, काहे हमको जानबूझ के परेशान कर रहे हैं? तुमको पता है ये छोटा सा नौकरी पाने के लिए आदमी को कितना मेहनत करना पड़ता है? जब हमारी खेलने की उम्र थी तब हम सड़क पे ट्यूब के नीचे बैठ के पढ़ते थे। आप ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे तो उसकी सजा हमको काहे दे रहे हैं? तो खेल के कौन सा देश को किसने बदल दिया? तो पढ़ के कौन सा पढ़कर आपने भारत को अमेरिका बना दिया है? चाय की प्याली तो अपनी खुद से उठाई नहीं जाती आपसे। टेबल के पीछे चूहे के जैसे दुबक के जलन के बारे बैठे रहते हैं आप। ए! क्या जा! क्या जा! जा! ए! 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 ना है ना, कौन है हम? माइक टायसन है उत्तर प्रदेश के। अगर एक तो धर दिए ना, यही पैंट में हक दीजिएगा, दूध दे देना, प्राण पखेरू हो जाएगा आपका। भला होगा रेलवे का, भला होगा इस देश का। देश बदल के दिखाएं हम। क्या कर दिया आप? पैंट पे मुद्दी है? खड़े रहिए आप, पैंट उतारिए अपना। उतारेंगे कि देखो, जल्दी करिए। ये हैं हमारे बास जो हमको देख के डर के मारे अपना चड्ढी गीली कर देते हैं। गीला दिख रहा आप लोगों को नीचे? अब अगर हमसे लंठई किए ना यादव जी, तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। महलीब, हाँ को सब, हरियाणा से बॉक्सर आया है धर्मपाल सिंह, पिछले साल कांस लिया है नेशनल, तुम्हारे साथ प्रैक्टिस मैच खेलना चाहता है, साउथ पा है, अच्छा अनुभव होगा। खेलोगे? हाँ करेंगे। वही सब तमाशा जो पूरी जिंदगी देखते हैं, जानती नहीं हूँ अपने चाचा को। वहीं बस गए, खेती बाड़ी करेंगे वहीं, और क्या। खुश रहो ना, सही नौकरी। भगवान अगर चाहता है ऐसा तो ऐसे ही सही। हुआ क्या है? गोपाल दास जी, गाड़ी की चाबी। जी आपकी गाड़ी की चाबी। कोई सामान तो नहीं गाड़ी में आपका? जी थोड़ा बहुत है। अरे सुनो, आपका सारा सामान एक थैली में पैक कर दो और गाड़ी अंदर लगा दो। हाँ वो ड्रॉर की चाबी। लेकिन हुआ क्या है? तुम्हारे खिलाफ पार्टिया ही हुआ है, एसीबी ने चार्ज डाला है रिश्वत लेने का, उनकी रिपेयरिंग के मामले में। हम समझ गए थे ये सारा काम भगवान दास का है। हम सारा दिन उनको फोन करते रहे, फिर जाके क्लब में बैठ गए जहाँ वो अक्सर अपना अड्डा जमाते हैं। ना हमारा फोन आ रहा है, ना हमसे मिलने आए। फिर जब हम रात को घर पहुँचे तो देखा वहाँ भीड़ जमा है, मीरा बाहर बैठी और घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है बाहर। भगवान ये सब क्या कर रहे हो? सुबह मुझे नौकरी से निकलवा दिया, गाड़ी छीन ली और अब इस तरह से बेघर। ये सब हमारी वजह से हुआ है ना। कल तुम भी जा रही हो नानी के घर, तुम्हारी कसम खाते हैं हम सब ठीक कर देंगे। कैसे करेंगे हमको नहीं पता, लेकिन हम सब ठीक कर देंगे। चलिए मम्मी चलो।
आइन चाहिए। आइए आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं, इसके दादाजी की हवेली जाना है। क्यों? भगवान को कुछ बंटवारे की बात करनी है। आपकी पहले से ही नहीं बोल पाती है, आप कहें तो आपका भी कोई अंग भंग कर दें। अब या तो आप वो करेंगी जो हम आपसे कहेंगे, या फिर अपना कोई एक अंग आपको दे चुन लें। राइट ज्यादा यूज कर। जबरदस्त मुक्का है तुम्हारा। मिलते हैं नेशनल में, मजा आएगा। हाथ को अच्छे से आइसिंग करा लेना। जी को सब, हमारा फोकस वापस आ रहा है, आज अच्छा खेला था तुम। फोकस का तो पता नहीं को सब, गुस्सा बहुत आता है। उसी को शांत रखना है तुमको। आओ घर तो बहुत बढ़िया को सब, पाटिया जी के रिश्तेदार का। अरे सुनो, हम आ गए। चावल अभी अभी चढ़ाए हैं, 10-12 मिनट तो लगेगा ही। साथ में किसी को लेकर आयो तो पहले से बताना चाहिए था ना। आज गलती होगी, आइंदा से नहीं होगी। आया सुनो, दाल थोड़ी गाढ़ी बनाना, खिलाड़ी है। भगवान दास जी की पूरी कोशिश रहेगी कि हम डिस्क्वालीफाइड हो जाए, ऐसा होने नहीं देना। बाहर का कुछ कुछ दिए ना तो खाया मत करो, कुछ भी मिला हो सब। वजन पर ध्यान दो, 69 के अंदर रहो।
69 से कम है, बल्कि थोड़ा बढ़ाना है कुछ सब। अच्छा है तुम्हारी पत्नी गांव गई है, शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा, प्रैक्टिस ज्यादा किया करो। धर्मपाल के अलावा एक और लड़का है सुरेंदर, पंजाब का है, तुमसे 6 महीना छोटा है। देखो यूट्यूब पे उसका 2 वीडियो देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा खेलता है। और जितना हम भगवान दास जी को जानते हैं, पहला मैच तुमको इसी से खिलवा ताकि तुम आउट हो जाओ। कौन है? आ रहे हैं जी। अरे भाई कौन है? आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। कहिए, दावत थी भैया घर में, भाभी से पूछे थे, बताइए आप लोग गोश्त खाते हैं, ज्यादा लेट तो नहीं हो गया? सुनो, पड़ोसी मीट देकर गए हैं, इसको कहते हैं भाग्य, बकरा खुद चल कर आया। सुनी, मटन आया है। ये लाइट कैसे गई? अरे देखिए ना, लाइट कैसे चली गई? हाँ देख रहे हैं। जगवार, खोल दरवाजा। सुनिए, बाहर दरवाजा मत खोलिएगा। अरे काहे चिंता कर रही हो, घर में दूधू बॉक्सर है। अरे आ रहे हैं, कौन है? रखो। साहब कहाँ है? आईसीयू में, जिंदा है। और खाना कोई और आदमी देके गया था, और बोला भी था कि बकरे का मीट है। बकरे का नहीं, बड़े का भी बोले होते तो कोई जुर्म नहीं होता। गिरफ्तारियां हुई हैं, जांच पड़ताल चल रही है। और भगवान जी, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई। ऐसा आपको लगता है? ऐसा सबको लगता है। तुम्हारे कोच ने घर में बड़े का मीट बनाया और इस बात का ऐलान कॉलोनी के मंदिर से किसी ने कर दिया, भीड़ ने हमला कर दिया। समय पे आके भगवान दास मिश्रा ने बाकी के परिवार और तुम्हारी जान बचाई, ये लगता है सबको। और जो सबको लगता है वही सच होता है। यही बयान तुमको देना है। बेटा, आदमी का दुश्मन आदमी नहीं है, उसकी अपनी परिस्थिति होती है। जहाँ झुकने से काम चल जाए, वहाँ लड़ोगे तो हार ही मिलेगी। सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, बड़े बड़े सूरमा राजा थे, कैसी मौत मिली उनको? हमको नहीं जानना कौन कैसे मरा था, किसको कैसी मौत मिली थी। हमको बस इतना मालूम है कि हम जीना चाहते हैं, और जब मरना होगा मर जाएंगे। फिर आप देख लीजिएगा, आदमी की मौत मरेगी कुत्ते की। ज्यादा रिजेक्ट होने से चीजें टूट जाती हैं। जो चाहते हैं दे दो बेटा। जो चाहते हैं दे दो मतलब? वो हमसे हमारी जिंदगी मांग रहे हैं। सुने ना, कोई मेडल नहीं है जो हमको टूर्नामेंट में मिली थी, वो आत्मा है हमारी। हेलो सुने ना, कहाँ हो तुम? हमारी आवाज सुन रही हो ना? अरे तुम हमको क्या भेजी हो? तलाक का कागज भेजी हो? हमको छोड़ना चाहती हो क्या तुम? या तुमसे ये सब कोई जबरदस्ती करवा रहा है? देखो, हम तुमको साफ साफ बता रहे हैं, हम तुमको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे।
और अगर तुमसे ये सब भगवान जी करवा रहा है ना तो उनको बता दो, हम उनसे डर के चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमको तो पता भी नहीं था कि तुम वहां थे, हम तो तुम्हारे लिए कुछ और प्रोग्राम सोच रखे थे। सुनैना कहाँ है? भगवान जो करता है सही करता है। हमने तुम्हें मरने नहीं दिया क्योंकि पहले हम तुम्हें नेशनल में हारते हुए देखना चाहते हैं। कौन हराएगा हमें? खुद ही हारोगे तुम। जो नहीं हारे तो भुगतोगे। दूसरा काम जो तुम करोगे, तुम्हारी अम्मा और बाऊजी के हाथ हम तुम्हारे तलाक का कागज भेजे हैं। तुम हमारी भतीजी को तलाक दे रहे हो काहे कि वो गुंगी है और दूसरा वो बिना दहेज के आई है। हम दस्तखत नहीं करेंगे। तो और भुगतोगे? क्या है कि हम सौदा तो कर नहीं रहे, हम ब्राह्मण हैं, आदेश देते हैं, तुम पालन करोगे तो ठीक है, नहीं तो हमारी पत्नी से बात करनी है, यही बात हम उससे जानना चाहते हैं। आप उसे हमारे सामने बिठाइए और हेलो हेलो हेलो। हम डिस्चार्ज हो रहे हैं को साहब, हम भाटिया जी के साथ लग के तैयारी करेंगे। आपका कसम खाते हैं को साहब, भगवान जी से ये लड़ाई हम ही जीतेंगे, फिर चाहे सुरेंद्र हो, विजेंद्र या खुद धर्मेंद्र। गाड़ी लेके चौक में तैयार है, हम फोन करेंगे तो आ जाना। लंका में घुस रहे, समझ लो तुम। सीता को खोजना तो लंका में घुसना पड़ेगा, हमारे पास हनुमान जी थोड़ी है। गाड़ी लेके जाओ। किसी को नहीं पता वो लोग कहां रखे हैं सुनैना। गोपालदास और मीरा का भी किसी को कोई ठिकाना नहीं पता। बेटा, हम 13 साल के थे जब भगवान दास हमको ब्याह कर लाए थे। वो जो कह रहे हैं मान लो और कर लो। हमें पता है हम किस आदमी की दुल्हन रहे हैं इतने साल। अरे यार, पापा लाइट चली गई। यहाँ क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों ने हुक्का पानी बंद कर दिया है, बोले भगत सिंह को फांसी दो तभी मिलेगा। क्या बकवास कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। वो कब जाएगा? 2 दिन से बिजली पानी बंद है हमारे घर का आपकी कृपा से। बाकी सब क्या आ रहा है? हम कटिया डालते हैं, वो निकाल लेता है। उसके लिए बैठाया उसको लॉर्ड माउंटबेटन ने वहाँ। तो वो खाने हगने जाता है तो कटिया डाल के थोड़ी देर अपना काम चला लेता है। आधी चली कलेजे पे हर धक पे टीस। गोपाल, हमारा प्रैक्टिस बैग ले लो, उसमें बॉक्सिंग ग्लव्स डाल देना। कैसे रिपोर्ट लिख ले हम बिना किसी सबूत के? कल से कोई भी आगे कुछ बोल देगा हमको लिखना पड़ेगा, अपराध तो फ्री मच जाएगा। कानून का फुटबॉल बना के खेलेंगे लोग। आपको अच्छे से पता है हम सच बोल रहे हैं, आपको सब पता है हमारे साथ क्या हुआ है। ब्रह्मा हो तुम, तुमको पता है कि हमें पता है
कानून का पहला कानून होता है कि हमको कुछ नहीं पता, जो हमको आंख से देखा वही सच है। हम चाचा को नंबर दे दिए हैं और ये भी बोल दिए हैं कि इमरजेंसी है, पर जब तक वो फोन ऑन नहीं करेगी कैसे पता लगेगा कि वो कहाँ है। तो मोहन और शंकर कहाँ नहीं फोन करते, उन लोगों को पता होगा वो लोग कहाँ है। अरे शंकर मोहन का भी फोन ट्राई किए भाई, फोन नहीं उठा रहे हैं। हमको लगता है वो दोनों सुनैना के साथ होंगे। डाउटलेस 100%। क्या डाउटलेस? अंग्रेजी का मत बूका करो हमारे साथ, समझे कि नहीं? अरे यार हिंदी नहीं आता तुमको, हमारा दिमाग। अरे तो निसंदेह वो उनके साथ होंगे, बिल्कुल सही पकड़ रहे। हाँ तो ऐसे बोलो ना, निसंदेह उनके साथ होंगे, नहीं बोल सकते तो पहले हम तनाव में हैं। अंग्रेजी उसमें घुसा है। अच्छा, हो गया ना, सॉरी, माथे पे चोट लगा ना। हाँ तो और कहाँ लगा है, ये माथा है कि घुटना है, क्या है? मजाक करो, बकला रहा है, करवा पाओगे कि नहीं? नंबर दे रहे हैं, ट्रेस करवाओ, चाचा को बोलो। क्या बोले फिर? एक मिनट। नहीं तुम क्या? अरे यार नंबर से पता करवाओ कि कहाँ लोकेशन कहाँ है, सर्विलांस पे डलवाओ, ये बोल रहे हैं। यार श्रवण हमको क्या क्या बोल रहे हो यार, कभी डाउटलेस बोलते कभी ट्रेस बोलते। कौन से स्कूल में पढ़े हो, कौन से में पढ़े हो? कॉन्वेंट में गए थे? कॉन्वेंट में गए थे, हमारे साथ गए थे ना तुम प्राथमिक पाठशाला में? माफी मांग रहे हैं यार। हाँ तो आता नहीं तुमको, तो कर रहा है यार। हाँ तो बात करो, ठीक से बात करो। अरे भूपेंद्र तुम मेरी बात सुनो यार, तुमको नंबर दे रहा हूँ, तुमको संख्या दे रहा है, वो संख्या को ना तुम निगरानी पे डलवाओ। अच्छा दौड़ा दौड़ा कर मारेगा हमको, ज्यादा निगरानी कराएंगे नौकरी चली जाएगी। नौकरी इंपॉर्टेंट भाभी में, भाभी तुम्हारी चाचा की नहीं है। एक तो कप था वो भी तोड़ दिए, बाकी और कुछ नहीं है टूटने वाला, ऐसा नहीं टूटेगा। अबे श्रवण, अबे सुनो भाई, अबे कहाँ जा रहा है? खा जाओगे। इनको कहीं देखे हैं इधर, बोल नहीं पाती हैं। भैया इनको कहीं देखे हैं, भैया इनको कहीं देखे हैं, ये बोल नहीं पाती हैं। बौरा गए हो तुम सारा, कुछ नहीं ऐसे मिलेगी सुनाना तुमको। हाँ तो क्या करें बताओ, क्या करें? तुम्हें सुझाओ कोई रास्ता, तुम तो हो ना बड़ा पढ़े लिखे अंग्रेजी हगने वाले ज्ञानी बाबा, हगो अपना ज्ञान, वही ट्राई कर लेते हैं। लड़का बहुत जिद्दी है, बात अगर अखबार में आ गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अपनी पत्नी का फोटो लेकर पूरे बरेली में घूम रहा है। जनता के प्रतिनिधि है, जनता ने चुना है उनको, पर अगर हम गाड़ी में नहीं बैठे होते ना, या तो तुमको कुचल के चले जाते या तुम जेल में होते। जैसे गाड़ी के सामने हंगामा करने से तुम्हारी बीवी वापस मिलेगी नहीं तुमको। सांझ का घोर अंधेरा मोहे, रात की याद दिलावे, रात जो सिर पर आवे लागे, लाख बरस कट जावे। आस का दर्पण कर जलाया रे, लागे मोहे झूठा, बहुत दुखा रे बहुत दुखा मन, हाथों राजा झूठा। सांझ का घोर अंधेरा मोहे, रात की याद दिलावे, सांझ
तलाक के पेपर पे दस्तखत हो गया है। लड़की को तो आपने देखा ही हुआ है, शक्ल भी वही है, खानदान भी वही है, बाकी जो हुआ उसका मुआवजा हम देंगे। अंगूठी दीजिए। अरे खुद ही डाल लीजिए। चलिए अब आप डालिए, हाथ पकड़िए। चलिए हो गया। मौत, 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 क्या कर रहे हो? मौत, मौत, पगला गए हो क्या? प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस नहीं, आत्महत्या कर रहा हूं। देखो शक्ल, देखो कितने दिन से नहीं सो। नींद नहीं आ रहा, क्या करें? गाजा मार्क्स हो जाए। गाजा क्या, गोली मार लो। तुमको क्या लगता है कि बीच बाजार में तमाशा करने से तुम्हारी पत्नी आ जाएगी? कौन सी करीना कपूर है कि लोग उसका फोटो देख के पहचान जाएगा? या तुम कौन से पड़े तुम हो? कौन सुनता है तुम्हारा? तुम्हारा नेशनल खेलना बहुत जरूरी है, इसलिए शरीर को आराम। दिमाग को आराम नहीं, हमारे शरीर को कैसे दे आराम? देना पड़ेगा। कोई जानता है, कोई जानना चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है? गुस्सा करोगे तो हार जाओगे, खेल बर्बाद हो जाएगा। अरे गुस्से को अपना हथियार बनाओ, वातावरण नहीं। ये जितना अंदर में गुस्सा है ना, सबको इस मुक्के में डालो, और जब रिंग में घुसो तो ऐसा मुक्का मारो, ऐसा मुक्का मारो कि देखने वाला कहे कि मुक्केबाज कहां से आया है, इसका क्या नाम है। तब सीना खोल के चौड़ा करके बोलो ना कि मेरा नाम श्रवण कुमार सिंह है, और सब लोग सुनेंगे तुम्हारी बात। जब लोग सुनने लगे तब बोलना, इस बॉक्सिंग के ठेकेदार भगवान मिश्रा ने मेरी पत्नी का अपमान किया। तुम सुनैना को वापस लाना चाहते हो, तो इसके लिए खेलना और जीतना बहुत जरूरी है। सुनैना, खाना खा ले बेटा, उठ जा बेटा, खाना खा ले बेटा, चलो खाना खा ले। तुम आंख फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? बाहर जाके खड़े रहो, हमारी बेटी है, मरने थोड़ा ना देंगे, खिला देंगे, तुम्हारे रहने से खाएगी नहीं, जाओ खा ले बेटा। जितना इंजेक्शन वाला चीजी था ना, सब में पानी भर दिए हम, है ना, तुम्हारे चाचा को मनमानी नहीं करने देंगे। उठ जा बेटा, खाना नहीं खाएगी तो ताकत कैसे आएगी? मुंह खोलो, खोल बेटा, खाना खा लो। शरीर में ताकत चाहिए। मुझे लंबा है, लपक के पहुंच बनाना, नीचे से झुक के पंच बनाना, जितना सटे रहोगे ना उतना ही वो पंच कम लैंड कर पाएगा। तो सटे रहना, मौका ढूंढ के अपर कट मारते रहना। बॉक्सर्स, चिकन गोलकीपर, बॉक्स। नजर रखने को कहा है ना, आंख निकाल के दे दो, हम रख देते हैं। क्या निकला? अरे देख, बरेली का टाइसन श्रवण सिंह, तुम्हारा टाइसन। खूबसूरत भी हो और ज़हीन भी हो। क्या बात है? ये बताओ यार, जी कैसे फंस ली है? देखिए इंडियन मुक्केबाजी का स्टांस बिगड़ चुका है, डिफेंस वस्त है, फुटवर्क खत्म है, आखिरी राउंड तक आते आते यहाँ का बॉक्सर कम और कुश्ती का पहलवान ज्यादा लगता है। युवा मुक्केबाजों का भविष्य चिंता का विषय है।
कोच, खिलाड़ी, पूरे सिस्टम को ओवरऑलिंग की जरूरत है। अब फेडरेशन ने हमें यह जिम्मेदारी सौंपी है तो हम कर्तव्य का पालन करेंगे। इन दोनों में दोस्ती कैसे हो गया? इनको तो लड़ना है ना आपस में। अबे ऐसे कैसे सगाई कर सकते हो? तलाक के पेपर पर हम साइन ही नहीं किए थे। अबे तो गुरु झूठ बोल के भी तो सगाई की जा सकती है, और उसी तो की है जिसकी गाड़ी का लाइट तोड़े थे। अभी बरेली में दावत दिया था उसने, तो वहां पे गट्टूमल का लौंडा पहुंचा था। अबे गट्टूमल का लौंडा जो पांच ईटा तोड़ के तुम जूता खरीदे थे, उसने वहां पे मोबाइल में अपनी आंखों से फोटो देखा है भाभी का, सगाई वाला। तब फोन किया हमको, तुमको बता रहे। तीन राउंड बस खड़े रहो, हम जिताएंगे तुम्हें। इसको नॉकआउट करना है, नहीं तो भगवान जी पंचों में तुमको हरा देंगे। तीन बार काउंटिंग करा दी, देखने का नॉकआउट। ब्लू भैया कैसे हैं? कहाँ जा रही हैं इस टाइम? अरे इस वक्त कहाँ जाएंगे भाई, मैदान कराने ले जा रहे हैं। बाथरूम में छोड़ेंगे तो गिर जाएगी, और तुम चिंता काहे कर रहे हो, खेते में जा रहे हैं, फसल बढ़िया होगी। और भैया जरा इन लोगों को बोलो पीछा मत करें, थोड़ा इज्जत तो रहने दें। और तुम लोग की तरह नहीं है ना हम, कि कहीं भी खड़े हुए खोल अर्श हो गए। हेलो,
एक मिनट शर्मा। हाँ मम्मी, अरे कहाँ हैं आप लोग? किसी का फोन नहीं लग रहा ना, आपका ना पापा का ना सुने ना। बेटा हम लोग ना फरीदपुर के बिलसंडी गांव में इसके दादाजी का पुश्तैनी मकान है, चार चार मुक्का बाज है ना, इसके पापा को दोनों डांग तोड़ दिए ना। मम्मी आप चिंता मत करिए, आप सुनैनो को फोन दीजिए। हेलो सुनैना, हमारी आवाज सुन रहे हो तुम? हम तुमको बोले थे ना सब ठीक कर देंगे, हम आएंगे तुमको लेने। हम यहाँ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, बस सेमीफाइनल फाइनल बाकी है, ये खत्म करके हम तुरंत आ रहे हैं तुमको लेने। अरे चार दिन बहुत देर हो जाएगी बेटा। गोपाल, ए गोपाल उठना, गाड़ी का इंतजाम करो, जो करना अभी करना, आज ही की रात करना, जल्दी करो। अबे पर करना क्या है? तीन लोग दिख रहे हो? तीन लोग बाहर हैं, अंदर कितने होंगे पता नहीं। किया क्या गया? कहाँ निकलोगे बेटा? पहली बार पुण्य का काम किए हो तुम, लंका लेकर आए हो तुम, अब तुम गट्टू मल के लौंडे नहीं रहे, अब तुम हो गए हनुमान, समझे? राम जी गए सीता जी को लेने, अब जा रहा पीछे से लक्ष्मण, तब तक तुम संभालो अपना ये पुष्पक विमान। गाड़ी लेके सीधे अंदर आ जाओ, लंका के पीछे अशोक वाटिका टाइप का बना हुआ एकदम, धीरे धीरे आना, समझदारी से समझे। गीता पढ़े हो ना धर्मपाल, दुश्मन से दोस्ती करोगे तो महाभारत कैसे जीतोगे? कई सालों से कोशिश कर रहा हूं ना इंडिया रिप्रेजेंट करने की, तुम्हें पता है ना ये काम हम ही करा सकते हैं जी। कहा अबे? भगवान जी वो यहाँ है। अबे कौन अपने बच्चे का नाम ये वो रखता है? वो कौन? शर्वन आपके भतीजे को लेने आ रहा है। कहाँ अबे? वो गांव पहुंच गया, तुम भी पहुंचो। कौन वो? वो मतलब श्रवण, और कौन? सुनैना पिताजी है ना? तुम कौन हो? गोपाल। हम गोपाल हैं, तुम कौन हो? गोपाल? अरे हम भी गोपाल हैं। सुनैना शादी मिले तो याद नहीं आपको? भाभी कहाँ है? मुश्किल है
सबूत मांग रहे थे ना आप, ये है सबूत, वो है सबूत, इनके बाबूजी का पैर तोड़े हैं भगवान जी, और अंदर जाके देख लीजिए भगवान जी की कोठी में, वहां बिखरा पड़ा है सबूत। अब हम जा सकते हैं? क्या खड़े देख क्या रहे हैं, गिरफ्तार कीजिए इसको और लेके जाइए। किस बिना पे गिरफ्तार कर लें सर, पति है पत्नी को लेके जा रहा है, खुद अपनी मर्जी से जा रही। क्योंकि हम बोल रहे हैं भगवान दास मिश्रा, गिरफ्तार कीजिए इसको। जान से मारने की धमकी दी है इसने हमें, लेकिन अभी तक मारे नहीं है। अब तो गिरफ्तार कीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। हाँ असली बोल रही दादा, आप अपना जिद पे आप अड़े हुए हो, कैसे हम परमिशन दे दें? कल को मेरी नौकरी यार चला जाएगा, क्या बात कर रहे हो, उस लड़के की जिंदगी की बात है। अभी तक लेकिन उसका कुछ हुआ है क्या? आप देखिए डॉक्टर आपके साथ हैं, आप पूछ लीजिए, ये परमिशन दे देते हैं रिटर्न हमको, आई कैन परमिट इट। लेकिन हम खेल सकते हैं? वो नहीं खेलने देंगे, तुम्हारी नाक किडनी में इंजरी है। अरे एक किडनी काफी होता है आदमी को जिंदा रखने के लिए, दूसरा तो बस हाथी का दांत है, और जीत तुम वैसे ही चुके हैं, बस लड़ना बाकी है। भगवान जी हो सके तो हमको माफ कर दीजिए, सुनहरा जिंदगी है हमारी, उसके लिए लड़ना तो हमारा धर्म है ना, हमको डिस्क्वालीफाई मत करवाइए, हम बिना रिंग में उतरे हारना नहीं चाहते, हमको खेलने दीजिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके। जी भगवान दास जी आते, तुम बोलो हम बात जाओ। दो शर्तें हैं उनकी, पहली सुनैना और तुम्हारे बीच में वो आज के बाद कभी नहीं आएंगे, तुम्हारे और भगवान जी के बीच में जो कुछ भी हुआ ना तुम कहीं कुछ बोलोगे ना वो कुछ बोलेंगे, जो हुआ भूल जाओ। और दूसरी, इसके बाद बतौर खिलाड़ी तुम मुक्केबाजी से रिटायर हो जाओगे। सुन के लो लो की, मैं
ये क्या हो गया? कल तक तो ठीक था। कभी किसी को पहले मुक्के में नॉकआउट किया है धर्मपाल? आज तो इतिहास लिखेगा। जेमोन, टाइम, बॉक्स। अन्ना, मोहन, मोहन और धर्मपाल। अरे बहुत हुआ सम्मान तुम्हारे।